चलें जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जेंडर स्टडीज की वर्कशॉप है हमारी, ठीक है। और दो से तीन बातें। नंबर वन, जेंडर स्टडीज जो है, पहली इसके बारे में जो परसेप्शन है ज्यादातर बच्चों के अंदर कि ये खवातीन के मुतालिक एक सब्जेक्ट है, तो ये एक फॉल्स नोशन है। पहली ये चीज क्लियर रख ली, नंबर वन। नंबर टू, नंबर टू ये है कि बहुत सारे बच्चे जो आप में से, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड सोशल साइंसेस का नहीं है, जिनका बैकग्राउंड सोशल साइंसेस का नहीं है, वो इस बात के ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि जनाब, जिस तरह हर एक चीज, हर सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट। याद रख ले, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ठीक है, जेंडर स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट साइंसेस हैं। ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं, साइंसेस हैं। तो बिल्कुल किसी भी साइंस की तरह जेंडर स्टडीज जो है, ये भी एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। ये क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन है। इसको आपने जो है वो एज अ सब्जेक्ट, एक सिंपल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लेना, ठीक है। इसके अंदर भी जो स्टडीज, जो मेथड्स यूज हो रहे हैं, वो साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू इन्वेस्टिगेट इश्यूज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस जो जेंडर के रिलेटेड है, विमेन के रिलेटेड नहीं है, जो जेंडर के रिलेटेड है, ठीक है। और तीसरी बात, जो कि जिस मकसद के लिए हमने ये वर्कशॉप रखी है, देखिए, जेंडर स्टडीज आपका तैयार है, जिन बच्चों ने अपीयर होना है ना, उनको जो है वो एज सच तैयारी की अब जरूरत नहीं है, उनको जरूरत है रिवीजन की और लास्ट मिनट एडवाइस की कि हम एक्चुअली असल पिन पॉइंट क्या है जो आप मिस करते हैं, ठीक है। वो है जिस तरह पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टूडेंट्स का ड्रॉबैक है ना, कि वो फिलोसफर्स को या थेरीज को मॉडर्न डे प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं कर पाते। आप में से जितने बच्चे भी पॉलिटिकल साइंस के हैं या इवन इंटरनेशनल रिलेशंस के भी हैं, उनको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की थेरीज और पॉलिटिकल साइंस के जो मॉडल्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनको सामने रख के, तो जो ग्लोबल या डोमेस्टिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, हर बंदा इतना केपेबल नहीं है टू अप्लाई दोज थेरीज ऑन द प्रैक्टिकल सिचुएशन। मुश्किल पेश आती है। मैं अमूमी तासुर की बात कर रहा हूँ, जो आम स्टूडेंट बैठा हुआ है वो अक्सर इस चीज का शिकार होता है कि उसको थेरीज अप्लाई करना नहीं आती। तो मेरा जो फोकस है आज का, जो ज्यादा फोकस है, वो होगा थेरीज के ऊपर, थ्योरेटिकल डिमेंशन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस का है मेरे साथ एक्सपीरियंस, उनको पता है कि हम फिलोसफर्स को बड़े ही अच्छे तरीके से मॉडर्न, उनकी जो रेलिवेंस है वो निकालते हैं। इसी तरह हम थेरीज पढ़ेंगे और फिर हम थेरीज की जो मॉडर्न डे एप्लीकेशन है उस पे काफी फोकस करेंगे, ताकि हमें जो चीजें जरा मुश्किल लगती हैं उनको हम बेहतर तरीके से कैटर कर सकें। क्लियर होगी बात, ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर हो गए। अब आते हैं जी सबसे पहले कि जेंडर स्टडीज के अंदर सबसे पहली डिबेट क्या है, सबसे पहली डिबेट क्या है। सबसे पहली जो डिबेट है वो ये है, ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, इनकी जो पहचान है वो क्या है। तो सबसे पहली जो हमारी पहचान है, जो जेंडर स्टडीज जिसको मौजू बनाती है, वो है हमारी बायोलॉजिकल पहचान। कौन सी जी? बायोलॉजिकल। और दूसरी पहचान कौन सी है हमारी? वो बायोलॉजिकल बीइंग जो है वो एक सोशल इन्वायरमेंट के अंदर जन्म लेता है, सोसाइटी के अंदर जन्म लेता है। तो हम कहते हैं कि जो इंसान है उनकी जो सोशल ओरिएंटेशन है, सोशल उनकी अपब्रिंगिंग है। क्लियर होगी बात। जब हम वर्ड बायोलॉजिकल कहते हैं ना, ये बड़ी बेसिक कुछ चीजें हैं, ये इनके मतलब आपको अच्छे आ जाए ना तो देखेंगे। अब मसलन नेचर और नर्चर की डिबेट का क्वेश्चन है, आपको पता है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। स्टूडेंट्स करते क्या है, वो पूरा सवाल उनको तैयार होता है, लेकिन बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म और सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, ये जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हैं, इनकी एक्सपेंशन कितनी हो सकती है,
इनकी आउटरीच कितनी, और ये सबसे बढ़ के आसान कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिए, ये आसान कितने हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं और आप अपना बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कि मैं एक बंदा हूं, एक इंडिविजुअल हूं, और ये मेरी क्या है, एनाटॉमी है, ये मेरा क्या है, बायो है, तो उसमें क्या क्या शामिल करते हैं, क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या मुराद क्या है हमारा जब हम इंसान को क्या कहते हैं कि इंसान एक बायोलॉजिकल बींग है, तो उससे मुराद क्या है, हमारी बॉडी है, हमारी फिजियोलॉजी है, हमारे जी जेनेटिक्स हैं, एनाटॉमी है, ये इसके अंदर फिर जो जो कुछ भी आएगा वो सारा इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा कुदरत ने बायोलॉजिकल ढांचा बना के भेजा है, ये उसकी सिर्फ बात हो रही है। जो अभी बच्चा पैदा हुआ है ना, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए, वो सिर्फ उस टाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल क्रिएचर होता है, अभी उसका कोई नाम नहीं होता। तब हम क्या करते हैं, तब हम उसकी पहचान करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर से, ऐसा ही है। फिर हम उसको कुछ नाम दे देते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है। पहचान कहां से करते हैं, पहचान हम करते हैं उसकी बायोलॉजी से, उसकी बॉडी से, उसकी फिजियोलॉजी से, उसकी एनाटॉमी से। और जैसे ये बच्चा पैदा होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस बायोलॉजी को हम क्या बनाते हैं, इस बायोलॉजी को हम सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल मेकअप करते हैं। हम कहते हैं कि जिस के क्रोमोसोम्स ये होंगे और जिसके क्रोमोसोम्स ये होंगे, ये है बायोलॉजिकल डेफिनेशन इंसान की। और क्या है इंसान, अमेलगमेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, यही है बायोलॉजिकल डेफिनेशन। लेकिन सोशियोलॉजिकली एंड कल्चरली स्पीकिंग, उस बंदे का नाम क्या है, उस बंदे का नाम असलम है, वो मुस्लिम है, वो पंजाबी है, वो लेबरर है, ब्ला 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 ब्ला। क्लियर हो रही है बात? तो बड़ा सिंपल है कि इंसान, एक इंसान है बायोलॉजिकल और एक इंसान है सोशल। तो एक बात और क्लियर कर लें फिर, कि जो हमारी बॉडी है, बायोलॉजी है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये क्या है, ये इनहेरेंट है, ये नेचुरल है। और जो सोसाइटी है, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है। सोसाइटी क्या है, सोशल क्या है, कंस्ट्रक्शन। जिस तरह का इलाका होता है, जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह का उनका रहन सहन होता है, वो उस बायोलॉजिकल जो बच्चा उनको दिया जाता है उसके ऊपर जो डिजाइनिंग करते हैं, वो किस हिसाब से करते हैं, वो खुद अपने रस्म और रिवाज, अपने तौर तरीकों के हिसाब से उसके ऊपर डिजाइनिंग करते हैं। तो वो जो डिजाइनिंग है वो क्या है, वो है सोशल कंस्ट्रक्शन। यहां से हमने पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, सीखना ये है कि जब हम इंसानों को उनकी बॉडी या बायोलॉजी की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, तो तब उनको हम क्या कहते हैं, सेक्स या सेक्सेस। तो सेक्स फिर क्या है, इंसानों की बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन, बायोलॉजिकल पहचान। तो उस हिसाब से हम क्या हैं, हम मेल हैं या फीमेल हैं, मेल और फीमेल है। जब हमें हमारी बायो के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, सेक्सुअल ऑर्गन्स के हिसाब से पहचान की जाए हमारी, तो हम इंसान कितनी कैटेगरी के हैं, दो, मेल और फीमेल। लेकिन जब इस एनाटॉमी को, इस फिजियोलॉजी को आप किसी कल्चर के हवाले करते हैं, किसी सोसाइटी के हवाले करते हैं, किसी खास इलाके के हवाले करते हैं, तो वो उस रॉ मटेरियल के ऊपर अपने सकाफत के मुताबिक, अपनी जुबान के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक, अपनी रस्म और रवाज के मुताबिक पेंटिंग करता है। तो उस पेंटिंग की बुनियाद पर हम इंसानों को क्या कहते हैं, जेंडर। क्या कहते हैं, जेंडर।
और उस बुनियाद पर इंसानों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, मस्कुलैनिटी एंड फेमिनिनिटी। तो पेपर में जब वर्ड यूज करो ना जेंडर स्टडीज के पेपर में मेल और फीमेल, तो ऑलवेज बेयर इन योर माइंड कि उस टाइम आप बात कर रहे हो किसकी, सेक्स की। और जब आप वर्ड यूज कर रहे हो मैस्कुलाइन फेमिनाइन या मस्कुलैनिटी फेमिनिनिटी, दैट मींस कि आप किसकी बात कर रहे हो, जेंडर की। क्लियर होगी बात। अब ये जो बायोलॉजिकल वाले हैं ये कहते हैं कि मर्द और औरत इन दोनों में क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ये आप एक पूरी आउटलाइन बना लें, जल्दी करें जी, जल्दी करें जल्दी। डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं मर्द और औरत के दरमियान जो बायोलॉजिकल क्या है डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली चीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जी। अब एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, ये कैटेगरी बनाते जाए साथ साथ, मेल और फीमेल जी। तो मेल जो है अगर वहां पर क्या है, पीनस है, टेस्टिकल्स हैं, और फीमेल है वहां पे क्या है जी, वजाइना है, ब्रेस्ट है, ओवरीज हैं जी। अब आ जाए नंबर टू पे, क्रोमोसोम्स जी, एक्स वाई है और फीमेल पे डबल एक्स, एक्स एक्स है जी। नंबर थ्री गोनैड्स, GONADS जी, मेल की तरफ टेस्टिकल्स हैं, फीमेल की तरफ ओवरीज हैं। इसी तरह जी मर्द और औरत के दरमियान जो ये सेक्स के ऑर्गन्स हैं उनके सेकेंडरी डिफरेंसेस हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। पहले जो हमने लिखे हैं वो प्राइमरी हैं। मसलन औरत की वॉइस जो है वो डीपर है, मर्द की सॉरी मेल की डीपर वॉइस है, फेशियल हेयर है, स्ट्रॉन्गर बॉडी है, जो अपर मसल है वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि फीमेल साइड पे हायर पिच है, लो वॉइस है, नैरो वेस्ट है जी। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है जी हार्मोन्स का, हार्मोन्स जी। मेल की तरफ एंड्रोजन है, ANDROGEN, और फीमेल की तरफ एस्ट्रोजन है जी। सेंसिटिविटी, नेक्स्ट सेंसिटिविटी, मर्द का रिलेटिवली लो है, मोर सेंसिटिव फीमेल जी। उसके बाद आई कॉन्टैक्ट, औरत का लो है और मर्द जो है उसका ज्यादा स्टेबल एंड कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट है जी। अब ये क्या है, ये जितने भी आपने लिखे हैं ना, ये इस मेल और इस फीमेल इनके क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम फिजियोलॉजिकली क्या हैं, ये है हमारी डेफिनेशन। दैट्स व्हाट मेक्स अस मेल एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस फीमेल। तो ये पहचान हो गई इंसान को अपनी बॉडी की, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल क्या हो गई, पहचान हो। अब ये सिर्फ हमने वर्ड सेक्स नहीं पढ़ा या वर्ड बायोलॉजी नहीं पढ़ा,
जेंडर स्टडीज के अंदर पूरा क्वेश्चन है जो तकरीबन हर साल आता है कि जनाब जो आपकी नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है, या दूसरा इसका अल्टरनेटिव आता है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, तो उसका आधा जवाब जो है वो हमने तैयार कर लिया है। बिकॉज ये इस साइड के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये किन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये नेचुरलिस्ट जो हैं ये उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, या जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट्स हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स, कि जो जेंडर रोल्स हैं, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन है, वो सब चीजें बाद में हैं। पहले हमें क्या देखना है कि जनाब ये बायोलॉजिकली ही डिफरेंसेस जो है वो मौजूद है, जो आगे चल के सारी जिंदगी जो भी जेंडर रोल्स, वर्ड यूज करना है कौन सा, जेंडर रोल्स, ये टर्मिनोलॉजी है जेंडर रोल्स। तो जो जेंडर रोल्स हमें असाइन होते हैं वो किस बुनियाद पर होते हैं, बिकॉज वो हमारी बॉडी एनाटॉमी जो है वो तय करती है कि हु वी आर एंड वी हु वी आर गोइंग टू बी। बड़े स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके। क्रोमोसोम्स है ना, वी कैन नॉट कंट्रोल देम। डीएनए है ना, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एनाटॉमी है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सही है ना। अब जो देखें बड़ा ताल्लुक है इसका खवातीन के हवाले से, जो अभी क्या हमने डिफरेंस लिखा है जी, कि जो लोअर लोअर साइड है वो क्या है, वो डिफरेंट है वेस्ट से। वो क्यों डिफरेंट है, बिकॉज जो चाइल्ड की रिप्रोडक्शन है उसके लिए आपको बॉडी एनाटॉमी जो है वो उस तरह की चाहिए। अब इस चीज ने औरत को क्या दे दिया, एक सोशल रोल दे दिया कि उसने क्या करनी है, क्रिएशन बर्थ रिप्रोडक्शन, ये उसके उसने करनी है। तो ये उसके अपने इख्तियार में नहीं है, ना मेरे इख्तियार में, वो किसके इख्तियार में है, वो बॉडी एनाटॉमी के इख्तियार में। और बॉडी और एनाटॉमी जो है वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो एक इनहेरेंट एंड नेचुरल एंड यूनिवर्सल प्रोसेस है, इनहेरेंट नेचुरल एंड यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो हमारे जिम्मे है नहीं। क्लियर होगी बात। अब दूसरी तरफ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पूरी की पूरी जनाब एक मूवमेंट शुरू हुई थी साइकोलॉजी के अंदर भी, ये याद रख लें, सोशियोलॉजी के अंदर भी, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, फलसफे के अंदर भी, और ऑफ कोर्स बाद में जेंडर स्टडीज के अंदर, कि अगर हर चीज बायोलॉजिकली डिटरमिंड है, प्री डेस्टिंड है, ठीक है, तो फिर सारी डिबेट ही खत्म हो गई। समझ आ रही ना बात की। तो फिर डिबेट क्या स्टार्ट हुई, डिबेट ये स्टार्ट हुई कि जनाब ऐसा नहीं है, अमेरिका की खातून पाकिस्तान की खातून एनाटॉमिकली बायोलॉजिकली क्या है, सेम है, सेम फंक्शंस है उसकी बॉडी के, जो स्ट्रक्चर है जो उसका है, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा या कम चीज नहीं है। जो बायोलॉजिकली स्पीकिंग फीमेल होती है वो यूनाइटेड स्टेट्स की भी वही है और पाकिस्तान। लेकिन जो जेंडर रोल्स हैं, सोशल रोल्स हैं, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो वहां से फिर इस स्कूल ऑफ थॉट की ओरिजिन हुई, इन्होंने कहा कि जो बायोलॉजी है उसके फर्क हम मानते हैं। ये एक अक्सर बच्चे गलती करते हैं थ्योरेटिकली, कि वो जब एक स्कूल ऑफ थॉट को लिखते हैं तो वो शायद ये समझते हैं कि पिछला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या हो गया, डेड हो गया। ऐसा नहीं है। जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट हैं वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को मानते हैं, कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो नेचुरलिज्म है, वो डज प्ले रोल इन एवरीथिंग, लेकिन वो बायोलॉजी को जिस तरह की सोशियोलॉजी में रखा जाए, उस बॉडी को जिस तरह की माशरे में, कल्चर में, वैल्यूज में रखा जाए, वो बॉडीज उसी तरह ही ट्रेंड हो जाती है, उनकी सोशलाइजेशन उसी तरह से हो जाती है। तो फिर यहां पर क्या आ गया, एक स्कूल ऑफ थॉट आ गया जिन्होंने ये कहा कि क्या है जी, रियलिटी सोशल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब काफी स्टूडेंट्स वो हैं जो मार क्यों खाते हैं जेंडर स्टडीज में, उसके पीछे फलसफा नहीं है। वो बच्चा जो है जिंदगी में जब भी पहला वर्ड पढ़ता है ना सोशल कंस्ट्रक्शन, तो वो इससे मुराद ये लेता है कि शायद रियलिटी या जो औरत है उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया है, मुआशरे ने कंस्ट्रक्ट किया, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे फिलॉसफी है।
और फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट की। जो नर्चर स्कूल ऑफ थॉट है वो ये मानता है कि रियलिटी रियलिटी, खास तौर पे जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है उनको मैं लेके जाऊंगा जॉन लॉक पे। जॉन लॉक कहता है कि जो रियलिटी है, माइंड है ना, माइंड वो क्या है, टेबुला रासा। ये वर्ड लिख ले, टेबुला रासा। टेबुला रासा का क्या मतलब है कि माइंड एक ब्लैंक स्लेट है। माइंड क्या है? ब्लैंक स्लेट है, यानी कि फितरत या नेचर ने हमें इस हालत में बनाकर भेजा है जी, इस हालत में बना भेजा है कि हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दे बिलीव्ड कि मैन इज द राइटर ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। रियलिटी कैन बी कंस्ट्रूड, रियलिटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड, रियलिटी कैन बी मेड अप। तो बराए मेहरबानी पूरी जेंडर स्टडीज के अंदर जहां कोई थ्योरी लिखे या कोई पर्सपेक्टिव लिखे, उधर आपने एक हेडिंग बनानी है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। ये इतना मतलब एक कहें टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स है ना वो थ्योरी नहीं पढ़ते, आपको पता ही है, ठीक है। हम समझते हैं कि जिस तरह इस्लामियात के 700 टॉपिक होते हैं ना, तो 7 तैयार कर लिए मैंने, इसी तरह जेंडर और सोशियोलॉजी के भी 7 तैयार कर लिए। ऐसा नहीं होता, इधर थ्योरीज है, थ्योरीज का चैप्टर नहीं आता तो 6 चैप्टर जो है वो तुक्का प्रोग्राम है। एक थ्योरीज आती है, बाकी एक दो जगहों पे थोड़ी बहुत हल्का पुल्का रह गया वो थ्योरीज कवर कर जाएगी। ये आज अभी हम इसका अगला टॉपिक हमारा वही है, वो हम देखेंगे कि कैसे होता है सोशल कंस्ट्रक्शन। तो जब ये बात हो गई तो फिर क्या आ गया कि जनाब इंसान अपने कल्चर के मुताबिक अपनी रियलिटी को क्या कर सकता है, खुद मोल्ड कर सकता है कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहां पर मैं दोबारा, ये बड़े बच्चे हैं उनको भी आइडिया नहीं है कि जो पॉलिटिकल साइंस है या बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो बैक एंड पे तो इंटीग्रेटेड है। अब यहां पर सारा काम किसका है, जो आपके लिबर्टेरियन फिलोसफर्स थे, सारा काम उनका है यहां पर। लिबर्टेरियन फिलोसफर्स, जॉन लॉक की मैंने बात की है, और आपको पता है लिबरल फेमिनिज्म में सबसे बड़ा और बुनियादी काम किसने किया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया, सबसे बड़ा और बुनियादी काम जे एस मिल ने किया। एनीवेज जी, तो रियलिटी क्या है जी, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। कौन से एजेंट्स हैं, ये हेडिंग बना ले जी, बिल्कुल होगा जी। अब आ जाए, वो कौन से एजेंट्स हैं जो सोसाइटी में रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, करवाते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर्स या सोशल एजेंसीज फॉर द क्रिएशन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन जी। ये हमने रिवीजन करनी है इंशाल्लाह, होपफुली 2 घंटे में हो जाएगी, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे में, ठीक है। ये अभी हम दूसरा कह लें एक सॉर्ट ऑफ डिबेट है। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी जी, आपकी फैमिली, आपका स्कूल, आपका मॉस्क, आपकी कास्ट, पीयर्स, नेबरहुड, कास्ट, क्लैन, रिलीजन, नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, एजुकेशन, नेशनैलिटी, जी
जी कल्चर तो फिर है ही है, ठीक है, कल्चर, लैंग्वेज, ड्रेस कोड, सारी चीजें जो है सोशल कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। अब ये जितनी हमने एजेंसीज लिखी हैं, जितनी भी हमने एजेंसीज लिखी हैं, ये एजेंसीज क्या करती हैं, ये इस बायोलॉजिकल मेल या फीमेल को सोशली क्या करती हैं, कंस्ट्रक्शन। तो सोशल कंस्ट्रक्शन से मुराद क्या है कि आपके पेरेंट्स को आपकी वो जो एक बॉडी मिली विद सर्टन बायोलॉजिकल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जब 25 ईयर्स अडल्ट है तो आज उसको जेंडर रोल्स के अंदर अगर देखें तो वो कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। कैसे, लिखते जाएं। सबसे पहली बात, उनका जो ड्रेस कोड है वो किस हिसाब से है, बेस पीछे क्या है, अनाटॉमी की, कि दोनों की बॉडी मर्द और औरत भी और क्या फर्क है, ये भी हमने क्लियर कर लिया, फर्क है बायोलॉजी का। जब बायो का फर्क आया तो बंदे ने किस में फर्क डाल दिया, मुआशरे ने किस में फर्क डाल दिया, जो रोल डाला उस बुनियाद पर क्या कहा, मस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी। तो उस बुनियाद पर आप देख लीजिए कि हमारा लिबास, ड्रेस कोड औरत के लिए क्या है, मर्द के लिए क्या है, मोरलिटी मर्द के लिए क्या है, औरत के लिए क्या है, स्पोर्ट्स, टॉयज, लैंग्वेज, जोक्स, प्रोफेशंस, पब्लिक स्पेस वर्सेस प्राइवेट स्पेस, यूरोपियन मिडिल क्लास 18वीं सदी तक, 19वीं सदी तक, और पाकिस्तानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आज तक, जहां से लिबरल फेमिनिज्म की बुनियाद हुई कि जो अपर क्लास, मिडिल क्लास खवातीन हैं वो, उनको क्या कंस्ट्रू कर दिया गया था कि वो परफेक्ट हाउसवाइफ्स हैं, हैप्पी हाउसवाइफ सिंड्रोम, ठीक हो गया। प्रोफेशंस, पब्लिक स्पेस वर्सेस प्राइवेट स्पेस, फिर हेल्थ, फूड, एक्सपेक्टेशंस, रोल्स, बिहेवियर्स, जी स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज, सिंबल्स, जी रैंकिंग एंड इवेल्युएशन, जजमेंट्स, डिवीजन एंड जजमेंट्स, जी पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन, जी डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप हेडिंग बना ले, एक बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये सोसाइटी ने कुछ गलत किया है, जेंडरिंग करना ये गलत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी और क्या करेगी, बेशक अमेरिका हो, यूरोप हो, जो दुनिया में जहां मर्जी हो, जब भी किसी मुआशरे के हाँ बच्चा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है तो वो जारी बात है उसको कोई नाम देंगे, उसका उसको बड़ा करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे, उसको सारा कुछ देंगे। फर्क कहां पर आता है, फर्क आता है जब बायोलॉजी को बुनियाद बनाकर तो इन दोनों के दरमियान एक वसी गैप क्रिएट किया जाए,
वो गैप नेगेटिव चीज है, कंस्ट्रक्शन करना नेगेटिव नहीं है, ये क्लियर रख रहे हैं। सही है, बड़े बच्चे समझते हैं कि शायद कंस्ट्रक्शन करना इटसेल्फ बुरा है, कंस्ट्रक्शन तो होनी ही होनी है, सवाल ये पैदा होता है कि वो कंस्ट्रक्शन जो है, तो इसीलिए अब हमने बात करनी है कि जेंडरिंग की क्यों जाती है। जी जेंडरिंग, व्हाई जेंडरिंग इज डन, बायोलॉजिकली जो इंसान है उनको जेंडर बनाना या उनकी जेंडरिंग करना या उनकी ऊपर जो सोशल कंस्ट्रक्शन है वो करना, ये क्यों जरूरी है, सोसाइटी भी तो चलानी है ना। नंबर वन, जेंडर एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, जेंडर एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। नंबर टू, जेंडर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज लाइफ। जी जेंडर इज अ वे, जी बिल्कुल, डिविजन ऑफ लेबर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, प्रोडक्शन ऑफ सिंबल्स, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, गेम्स, फिर पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, जी रीइंफोर्समेंट ऑफ जेंडर नॉर्म्स, क्लियर होगी बात जी। ठीक है, तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स या डिस्कशन हमने की है, ये सारी के सारे डिस्कशन जो है, यहां पर कौन थे, नेचुरलिस्ट एंड बायोलॉजिकली डिटर्मिनिस्ट, और इधर कौन है, इधर है जनाब सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट या नर्चर स्कूल ऑफ थॉट। तो यहां पर हमने जो अपना पहला बड़ा दो डिबेट्स हैं, नेचर वर्सेस नर्चर और बायोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट, ये, और उससे पहले हमने सेक्स और जेंडर के अंदर जो डिफरेंस है, ठीक है, तो ये तीन बेसिक चीजें जो है, ये करने से हमारे दो क्वेश्चंस जो है, ठीक है, या एटलीस्ट एक 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके इस एरिया से क्वेश्चन आते ही आते हैं, लाजमी आते हैं। और एक बड़ी मजेदार बात यह है, क्योंकि मैं पहले भी बात करता हूं कि सोशल साइंसेज आपस में क्या होती है, इंटीग्रेट होती है। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं, मुझे बताएं, पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस में हर तीसरा फिलोसफर नहीं, हर एक फिलोसफर सबसे पहले आके किसकी बात करता है, इंसान की नेचर की, इंसान की नेचर की बात करता है कि नेचर, उसके बाद वो किसकी बात करता है। इसका मतलब है नेचर नर्चर डिबेट जेंडर स्टडीज में नहीं है सिर्फ, क्रिमिनोलॉजी का पास्ट पेपर उठा के देखें, पहला सवाल क्या आया होगा कि डिस्कस नेचर वर्सेस नेचर नर्चर डिबेट इन क्रिमिनोलॉजी डिस्कस, और आप जेंडर स्टडीज का पास्ट पेपर उठा के देख लीजिए, डिस्कस नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इन जेंडर स्टडीज, और ये सेम डिबेट कहां पे, ये फिलॉसफी में, सेम डिबेट कहां पे, पॉलिटिकल साइंस में, सेम कहां पे, इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो वंस यू अंडरस्टैंड के कोई सब्जेक्ट सोशल साइंस है, फिर आप उसके जो सोशल साइंस के तकाजे हैं वो जरूर पूरे करें, जैसे कि ये अभी हमने बात की है, तो ये प्रॉपर आप अगर सर्च भी करेंगे, नोट्स भी आपने पहले भी आई एम श्योर के बनाए हुए हैं, चीजें पढ़ी हुई हैं, तो मेरा ख्याल है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये उसकी रिवीजन होगी, ये उसको जो है वो कोई क्या कहते हैं, आपका जो प्रस्पेक्टिव है उसके अंदर हम थोड़ा बहुत फर्क लाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना इंफॉर्मेशन की हद तक बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म क्या कहती है और सोशल कंस्ट्रक्शन क्या कहती है।
क्लियर होगी बात जी। चले अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट फेज के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट फेज। जी बिल्कुल, एनवायरनमेंट के अंदर भी डिबेट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। रिसर्च पेपर बता दें। अच्छा जी, रीडिंग वगैरह वो बाद में शेयर करेंगे, फिलहाल तो फोकस करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आ गया जी, और सबसे हमारा जो तगड़ा पोर्शन है जिसमें काफी बच्चे जो है लैग करते हैं। जी अब हम आएंगे इस एक वर्ड को समझेंगे, फेमिनिज्म। बड़ी बेसिक और सादा बात है कि यूरोप के अंदर जो ख्वातीन हैं, वेमेन हैं, उनके राइट्स के लिए, उनके इश्यूज के लिए, उनके कंसर्न्स के लिए, उनके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और इश्यूज के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट होती है। उस मूवमेंट के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। एक उस मूवमेंट का थ्योरेटिकल हिस्सा है और एक उस मूवमेंट का प्रैक्टिकल हिस्सा है। जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके अंदर क्या शामिल है जी? उसके अंदर थ्योरीज शामिल हैं, जैसे कि नाम बता रहे हैं, मसलन लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अब आज से ये बात याद रख लीजिए कि जो फेमिनिज्म है उसकी जो थॉट है, उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो रिसर्च है, उसकी डिवीजन को कहते हैं थ्योरीज। बड़े बच्चे हैं आप में से, हर बच्चे ने सवाल इन पे तैयार किया हुआ है, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि ये हैं क्या, इसी वजह से एप्लीकेशन नहीं हो पाती, ये भी ज़हन में रखिएगा। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। जब हम ये नहीं समझते ना कि थ्योरीज होती क्या है, जिस तरह हम पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं कि सवाल एक ही है कि रियासत क्या होगी, तो एवोल्यूशन स्कूल ऑफ थॉट कहता है ये है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है रियासत ये है, हेरिडिटरी प्रिंसिपल वाले कहते हैं रियासत ये है, पावर या फोर्स थ्योरी कहती है कि रियासत ये है। यहां पर भी याद रख लीजिए कि जो मुद्दा है वो क्या है, वो यही है कि जेंडर, मेल फीमेल, मस्कुलैरिटी फेमिनिनिटी, ये सारा रोला क्या है। तो इस रोले के ऊपर जो डिस्कशन है, डिबेट है, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? थ्योरीज। तो हर एक ने क्या करना है? सवाल एक ही है, जवाब क्या देना है? जवाब हर एक ने अपना अपना देना है। और जब हम प्रैक्टिकल साइड पे बात करते हैं तो एक्चुअली ये जो थॉट, डिस्कशन, थ्योरी, लिटरेचर, ये प्रोड्यूस होता है, सोच, आइडियाज जनरेट होते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको पता है प्रैक्टिकल भी एक्शन होता है। तो जो प्रैक्टिकल एक्शन है खवातीन का, उसको आपके सिलेबस में कहा गया है वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और उसके बाद थर्ड वेव। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। तो ये कौन सी साइड है? ये प्रैक्टिकल साइड है ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। और इसके अंदर आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल बातें हुई, मसलन कोई एनजीओस बनी, नए प्लेटफॉर्म बने, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अमेंडमेंट हुई, याद आ रहा होगा आपको, कुछ सफरेजिस्ट मूवमेंट टाइप चल गई, इक्वल पे एक्ट आ गया, अबॉर्शन लॉज बन गए, ठीक है, हरासमेंट लॉज बन गए जी, वुमेन को कोई जो राइट टू पे मिल गया, कुछ भी हो गया,
प्रैक्टिकल साइड पे वो सारा क्या है, वेव्स। तो अब हम आएंगे जी अपने सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट की तरफ। मेरे ख्याल में आसान है वैसे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे। जी ये आप सबसे पहले जी पाकिस्तान को किस तरह की फेमिनिज्म की जरूरत है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझ तो लेना कि फेमिनिज्म में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट कहते क्या है। सबसे पहले आएंगे जी लिबरल फेमिनिज्म की तरफ। कुछ चीजें समझाने वाली हैं, कुछ चीजें लिखवाने वाली हैं। तो पहले समझने वाली चीजें करेंगे जो टेक्निकल नोयत की, फिर कुछ चीजें होती हैं जिनको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन भी लिखवा दूंगा ताकि जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं आपके, अगर उनमें कोई एक दो तीन पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं तो ठीक है, नहीं भी होते तो रिवीजन की तो रिवीजन है ये। जी सबसे पहले लिबरल फेमिनिज्म। अब यहां पर मुझे फेमिनिज्म से इस टाइम कंसर्न नहीं है, मुझे ताल्लुक है इस टाइम लिबरलिज्म से, बिकॉज जो लिबरल फेमिनिज्म है वो ऑफ शूट है किसका, लिबरलिज्म का। अब ताल्लुक देखना है आपने अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ या पॉलिटिकल साइंस के साथ। यहां पर हम लिबरलिज्म को एज अ फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपने इसकी जो फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन है वो लिखनी है, जो बेसिस हैं लिबरलिज्म की वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। नंबर वन फ्री विल वर्सेस प्री डिटर्मिनिज्म, कि इंसान जो है उनके अंदर क्या अपने तौर पर ऑटोनमसली डिसीजंस, वॉलंटरी डिसीजंस लेने की कैपेसिटी भी है या नहीं है। तो लिबरलिज्म आपने पढ़ा हुआ है पॉल साइंस में, आपको पता है कि लिबरलिज्म किस पे यकीन रखता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव फ्री विल। तो जब हमारे पास फ्री विल है तो इसका मतलब है कि हम, और इसके अलावा क्या है, रैशनल क्रिएचर है, हम रैशनल क्रिएचर है, हमारे अंदर रीजनिंग है। वो डिकार्ट ने कहा था ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो इसका मतलब था कि जो थिंकिंग की कैपेसिटी है, रीजनिंग की कैपेसिटी है, वो हमें इंसान बनाती है और जानवरों से मुख्तलिफ करती है, अलग करती है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। नंबर थ्री, तो अगर हमने रीजनिंग करनी है तो दो चीजें हमें और माननी पड़ेंगी कि नेचर ने, फितरत ने तमाम स्पिरिट्स को, तमाम रूहों को, तमाम लोगों को नेचर के अंदर क्या पैदा किया है, इक्वल प्लस फ्री, इक्वल एंड फ्री, ताकि हम अपने लिए क्या कर सके, आजादी के साथ, बराबरी के साथ हम चॉइस ले सके। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो याद होगा आपको उसके वाला लॉक वाला, कि इन द स्टेट ऑफ नेचर इंसान क्या है, आजाद है, बराबर है, फ्री है एंड इक्वल है। तो हमारी फ्रीडम है, हमारी इक्वालिटी है। और चौथी चीज क्या है, चौथी चीज ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम चॉइसेस ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, चॉइसेस ले सकते हैं, गुड और बैड। तो जब फेमिनिज्म का इमर्जेंस हुआ तो फिर एक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ जिसने क्या किया, लिबरलिज्म की जो फिलोसफिकल आइडियाज थे उनको बोरो एंड अप्लाई, दो वर्ड यूज करने, बोरो एंड अप्लाई किसके ऊपर, फेमिनिज्म के ऊपर। और दूसरा इसके अंदर दो तीन और पॉइंट लिख लें, नंबर फाइव इंडिविजुअलिज्म, और इसी को बेशक लिख लें कि जो
इंसान के अंदर चॉइस है, रेशनैलिटी है, वो अप्लाई किसने की थी? फेमिनिज्म ने। तो जब फेमिनिज्म ने कहा, डेकार्ट ने कहा कि आई थिंक देयर फॉर आई एम, तो फेमिनिस्ट भी आ गए। उन्होंने कहा ओके फाइन, इफ यू थिंक दैट्स व्हाई यू आर, तो इसी वजह से फिर हम भी क्या हैं, हम भी रैशनल क्रिएचर हैं, क्योंकि अगर मर्द सोचता है तो वो मर्द है, तो इसीलिए फिर औरत भी सोचती है, तो इसीलिए वो भी क्या है, औरत है, रैशनल क्रिएचर है। तो सिर्फ मैन रैशनल नहीं, फिर क्या है, फिर मैन एंड वुमेन दोनों क्या हैं, रैशनल हैं, और रैशनल है तो फिर अपनी अपनी चॉइसेस क्या हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और यहां से ही आपने दो, ये कुछ मैंने कहा ना चीजें समझाने वाली और कुछ लिखाने वाली, यहां से आप जो लिबरल फेमिनिज्म है उसके दो एस्पेक्ट्स लिख लीजिए। नंबर वन, या इसके ऊपर हेडिंग दे लें, कॉन्सेप्चुअल रूट्स ऑफ लिबरल फेमिनिस्ट थॉट। नंबर वन, मॉरल एस्पेक्ट। अब लिबरलिज्म की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है। नंबर वन मॉरल एस्पेक्ट, एंड नंबर टू प्रूडेंस एस्पेक्ट। मॉरल एंड प्रूडेंस जी। तो औरत और मर्द के अंदरमियान जो रिश्ता है, या औरत क्या है और मर्द क्या है, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल क्या है, वो किसका है, मोरलिटी का। सो लिबरल फेमिनिज्म ने क्या कहा कि जो मॉरल साइड है, यहां पर औरत क्या है, वो सेल्फ क्रिएटर ऑफ हर मोरलिटी है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ मोरलिटी है बाय द वुमेन। और अगली बात, औरत के अंदर एबिलिटी है टू डिटरमिन द बेस्ट मींस, एबिलिटी टू डिटरमिन द बेस्ट मींस टू अचीव सम डिजायर्स। जी, नंबर थ्री, ability to determine the self fulfillment. So morally speaking, in a very simple and plain language, aurat ke paas ye ikhtiyar hai, uske paas ye salahiyat hai ki wo apne liye apni khwahishat ko pura karne ke raste kya kar sakti hai, khud develop kar sakti hai, khud create kar sakti hai. Ye hai moral liberalism. ये क्या है, मॉरल लिबरलिज्म है। और अब आ जाए प्रूडेंस, लिबरलिज्म ऑफ प्रूडेंस। तो प्रूडेंस क्या होती है, रेशनैलिटी, दूर से किसी दूर की चीज को ऑब्जर्व करना, करीब की चीज को छोड़ना, दूर की चीज। तो ये कौन कर सकता है, जिसके अंदर क्या है, हम तस्लीम करते हैं कि उसके अंदर अकल है। जी, मैं अभी बात कर रहा हूं, पहले मैंने बात की है मॉरल लिबरलिज्म की, अब मैं बात कर रहा हूं प्रूडेंशियल लिबरलिज्म की। जी, नेक्स्ट, इसके अंदर ही कि औरत के अंदर एबिलिटी है टू रैशनलाइज। जी, हेडिंग है कंसेप्चुअल रूट्स ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। जी, अब दो टाइप्स पे आ जाए, दो टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, एक क्लासिकल लिबरलिज्म और एक वेलफेयर लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म एंड वेलफेयर लिबरलिज्म। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, ये फोकस करती है इंडिविजुअल पे,
ये वुमेन को एज अ वुमेन देखती है, नौ के एज अ ग्रुप, पर्सनल लेवल पे, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल देखते हैं। और इसी वजह से इन्होंने जो फोकस किया है ज्यादा, वो किया है जो इंडिविजुअल सिविल राइट्स हैं, सिविल प्रोटेक्शंस हैं, जिन आजादियों का ताल्लुक किससे होता है, पर्सन के साथ होता है। मसलन वोटिंग राइट्स, मसलन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मसलन फ्रीडम ऑफ स्पीच, मसलन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि दूसरी तरफ जो वेलफेयर है, इसका एक और नाम भी है, इगैलिटेरियन लिबरलिज्म, इगैलिटेरियन लिबरलिज्म, इगैलिटेरियन लिबरलिज्म। जी ये क्या बात करते हैं, ये कलेक्टिव बात करते हैं, एज अ ग्रुप बात करते हैं। और दूसरी चीज ये बात करते हैं कि जो स्टेट है उसका रोल मैक्सिमम होना चाहिए कि वो क्या कर ले, कि वो पैरिटी लेके आए। ये लोग जो हैं, ये स्टेट के, ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, ये स्टेट के रोल को क्या समझते हैं, लिमिटेड समझते हैं। और साथ ही एज अ स्टेट एज अ गारंटर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज। दूसरी तरफ ये लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि स्टेट को किस पे फोकस करना चाहिए, इकोनॉमिक पैरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसका रोल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए स्टेट को इन द सोशल डायनामिक्स, ताकि मर्द और औरत के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको क्या किया जा सके, ब्रिज किया जा सके। और दूसरी तरफ जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, ये क्या कहती है, ये कहते हैं कि जो मुआशरे के अंदर डिस्पैरिटीज हैं, रियासत का इससे कोई काम नहीं, रियासत ने सिर्फ एक काम करना है बस, और वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जितनी भी डोमेन्स हैं सोशल लाइफ की, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिक्स, जॉब्स, व्हाटएवर, क्या होनी चाहिए, इस बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि ये बंदा सिविल सर्विसेज का एग्जाम इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये औरत है, ये बंदा स्पोर्ट्स फला स्पोर्ट्स इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये कौन है, ये औरत है, ये बंदा ये प्रोफेशन इसलिए चूज नहीं कर सकता क्योंकि ये कौन है, औरत है। तो रियासत का काम इनके मुताबिक क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको इंश्योर करना, ताकि अपॉर्चुनिटी तक जो एक्सेस है बोथ जेंडर्स की या बोथ सेक्सेस की, वो किसी सूरत में भी डिनाई ना हो। क्लियर होगी बात, तो इनके करीब मुआशरे में इनइक्वालिटी क्यों है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ठीक कैसे हो सकते हैं, जी इक्वालिटी ऑफ स्टेट कौन सी, क्या प्रोवाइड करे स्टेट, इक्वालिटी, जी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्लियर होगी बात, सॉरी ये कह रहे हैं कि इक्विटी नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्विटी और पैरिटी और चीज है, ठीक है, पैरिटी डिफरेंट है। अब ये है आपका सारे का सारा मोस्टली क्या, जो आपका लिबरल फेमिनिज्म। लेकिन ये था समझाने वाला पार्ट, ठीक है। अब जरा प्लीज गौर से देखना आपने कि ये थ्योरी जो है इसको अब आपने लेके कैसे चलना है। पेपर में वो क्वेश्चन पता क्या देता है, बाज़ुकात जो प्रैक्टिकल नोयत के क्वेश्चन देता है, वो कहता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें मेल और फीमेल के दरमियान बहुत ज्यादा क्या है, गैप है, आपका इसके ऊपर क्या मौकफ है, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं।
तो हमारा स्टूडेंट पता है क्या करता है, सबसे बड़ी गलती, अभी के अभी आप अपने नोट्स देख लीजिए, सबसे बड़ी जो गलती बच्चे ने की हुई है, उसने ये लिखी हुई है हेडिंग्स कि हर्डल्स क्या है वुमेन के पार्टिसिपेट करने में, उनका सलूशन क्या है, और स्टेट ने अभी तक क्या क्या किया है। ये तीन चार चीजों के अलावा स्टूडेंट्स के नोट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। भाई ये पेपर है जेंडर स्टडीज का। अब आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप ये जो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या आप इसको थ्योरी के तनाजुर में देख सकते हो या नहीं देख सकते। अब एक ही थ्योरी अभी हमने पढ़ी है, कौन सी, लिबरल फेमिनिज्म। आप मुझे बताइए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिबरल फेमिनिज्म कि पाकिस्तान में मर्द और औरत के दरमियान जो गैप है सियासत में वो क्यों है, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। अभी हमने क्या पढ़ा है, लिबरल फेमिनिज्म की डेफिनेशंस पढ़ी है, बस उनको उठा के बताएं, उसके मुताबिक जवाब देना, अपना जवाब नहीं देना। भाई बड़ा सिंपल जवाब है कि सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, ये है, इसको मैं कहता हूं ये है मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द थ्योरी। अगर ये आपको पता है तो वहां पर बराए मेहरबानी बजाय कि आप अपना फलसफा झाड़े, उससे पहले दुनिया में जिन्होंने अपना फलसफा झाड़ दिया हुआ है उनकी बात को वहां पर कर लें। तो जब लिबरल फेमिनिज्म के अंदर ये आर्ग्यूमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की किसी भी मुल्क में की सियासत में मर्द और औरत के दरमियान जो गैप्स हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वहां पर क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, या वो बिल्कुल ही उनके अंदर एक्सेस ही नहीं है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो ये मेन आर्ग्यूमेंट होगा। उसके बाद आप देखो पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज है जो औरत को ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेने देती, सोचें कौन कौन नहीं लेने देता। भाई लिखें, एक सेकंड लगाना है आपने, ये आउटलाइन बनाए फौरन से, थ्योरी की एप्लीकेशन कर रहे हैं हम, यही तो फायदा होता है, जिसको थ्योरी आती है वो दो मिनट में अप्लाई करेगा। लिखे लिखे अपना जेल लगाएं, जल्दी करें, मुझे ना लिख के भेजें भाई, अपने नोट्स में दो मिनट में ऐड कर लें जो जो आपके जेन में आता है, छोटा जेन नहीं करना, तंग जेन नहीं रखना, पांच चार हेडिंग्स में नहीं फंसना, लंबी कहानी सोचते जाए, जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो लिखते जाए। आपकी नजर में यानी कि आप इस टाइम किसके वो बने हुए हैं मुबल्लिग, लिबरल फेमिनिज्म के। भाई अभी सपोज किया हुआ हमने, आप तो बकायदा कह रहे हैं कि मैं नहीं बना हुआ, हम सपोज कर रहे हैं, इस टाइम हमने बनना है, इस टाइम हमने बनना है, तो फिर सोचे कौन कौन सा बैरियर है जो औरत को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के रास्ते में रुकावट है। और थोड़े जो मेरे बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हैं उनको हिंट दे देता हूं, तीनों लेवल्स पे सोचना है, इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, तीनों लिख के उनके अंदर सब हेडिंग्स भी तो बनाते जाए ना। जल्दी करें, शाबाश, जल्दी करें, एक मिनट लगाएं। समझ आ रही है या नहीं आ रही कि कैसे हम थ्योरी को का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट लेते हैं और उसकी बुनियाद पर हम किसी भी मुआशरे के अंदर मौजूद इनइक्वालिटी उसको देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें, टाइम नहीं है हमारे पास। स्टेट, स्टेट भी तो लॉज बना देती है ना ऐसे, ठीक, अमेरिका में औरत के पास राइट टू वोट नहीं था ना, स्टेट ने ही फिर उसको सेट किया है ना, तो मसला कहां पे था, फिर स्टेट में था। तो अगर मसला फैमिली में हो तो फिर फैमिली पे बात करेंगे, अगर मसला मजहब में हो तो फिर रिलीजन पे बात करेंगे, अगर मसला एजुकेशन सिस्टम में हो तो वो पिन पॉइंट करेंगे कि कौन सा मसला है। और जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं एक और हिंट दे देता हूं कि जब सोसाइटी को देखो तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन को देखना है, स्ट्रक्चर में भी देखना है और
फंक्शन में भी देख लें, किसमें के स्ट्रक्चर में कहां मसला है और फंक्शन में कहां मसला है। जितनी मर्जी हेडिंग्स बनाते जाओ, फिर गांव और शहर का फर्क जरूर जेहन में रखिएगा, हेडिंग्स की फिर एक लंबी कतार लग जाएगी। फिर कल्चर का वर्ड जेहन में जरूर रखना है बराए मेहरबानी, मटेरियल और नॉन मटेरियल का फिर एक लाइन लग जाएगी। लैंग्वेज की बात जरूर करनी है आपने, हम खवातीन को भी कह रहे होते हैं शेर बान, ठीक है, किसी को बंदा डर रहा हो उसको मर्द बान, ठीक है। फिर गालियां हैं हमारी, ठीक है, यकीन करो खवातीन किसी दिन कंसेंसस कर लिए ना इन्होंने, ओए, ठीक है, फिर हालात खराब हो जाएंगे, फिर आ जाए ना तेरे प्यो दी ऐसी थी तैसी, तेरे भरा दी ऐसी थी तैसी, ठीक है। जी इतना हमने उनको यूज टू कर दिया, वो शेरबान, हाँ जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड, अच्छा लिख रहे हैं सारे बच्चे, इधर भी मैसेजेस आ रहे हैं, जल्दी करें, वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा ये टाइम, ये देखे ना, ये चीज ऐसी है कि ये आपको देखें आप हेल्प करेगी, आपको खुद आपका जेन चलेगा, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंसेस बहुत आसान है अगर हम थोड़ा सा उनको साइंस के एतबार से समझ जाएं तो। वेरी गुड, ऑन बास छा रहे हो आज भाई, वेरी गुड, दिमाग चल रहा है। अब इन्हीं में से प्रॉब्लम्स देख रही है आपने, ठीक है, इन्हीं में से सॉल्यूशंस बना लो, इन्हीं में से सॉल्यूशन बना लो। चलें जी, डन हो गया, ठीक है, तो बराए मेहरबानी अब आज के बाद कोई ऐसा सवाल आए तो बाहर निकल के ये नहीं कहना कि सवाल पाकिस्तान पे आया था, सवाल आना पाकिस्तान पे ही है, लेकिन आपने क्या उसका थ्योरेटिकल एनालिसिस किया या नहीं किया। और अभी ये सिर्फ मैंने एक थ्योरी अप्लाई कराई है, इसी सेम स्टेटमेंट के ऊपर हर थ्योरी को हम लेके जाएंगे, ये अब नई चीज जो है ना इसको पक्का करना है। चलें जी, क्लियर हो गया, अब आ जाइए जरा, कुछ नोट्स टाइप चीज है वो आपको बनवा देता हूं कि लिबरल फेमिनिज्म के अंदर आपने और क्या क्या लिखना है, ये तो था समझाने वाला हिस्सा, ठीक है, लिखें जी जरा, ताकि थोड़ा सा जहां डेटे की बात हो, जहां वो आर्ग्यूमेंट की बात हो, उसके साथ साथ हम बाकी चीजें भी कर लें। नंबर वन जी, लिबरलिज्म इन द 18th सेंचुरी, ये थोड़ी हिस्ट्री ये इस तरह की चीजें, और सबसे पहली चीज ये बहुत बच्चे जो हैं उनको आइडिया नहीं है कि जो लिबरलिज्म 18वीं सदी में स्टार्ट हुई उसका पहला मकसद पता क्या था, इक्वल एजुकेशन। अक्सर लोग पॉलिटिक्स लिखते हैं क्योंकि वो सफ्रजिस्ट मूवमेंट आ जाती है ना जी, और मैरी वोल्स्टन क्राफ्ट, हाँ जी जी, इक्वल एजुकेशन 18th सेंचुरी, और उस टाइम एक फिलोसफर हैं जे जी रोसो, इनका नाम आपने सुन रखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, इन्होंने एक अपनी किताब लिखी एमिली जी, EMILI, और इन्होंने तब औरतों की जो एजुकेशन है उसको डिस्करेज किया, और इन्होंने कहा, ये कोटेशन लिख लें इनकी, कि रैशनल मैन इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर इमोशनल वुमेन, रैशनल मैन इज द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर इमोशनल वुमेन, और इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उसका मकसद पता क्या होना चाहिए, कि वो मर्द के अंदर मैनहुड की क्वालिटीज पैदा करे और वुमेन के अंदर वुमेनहुड की क्वालिटीज पैदा करे, ये मकसद था अर्ली एजुकेशन का इनके मुताबिक। और तो उसमें मैनहुड में क्या क्या शामिल करते थे और आज भी करते हैं, नंबर वन, मर्द कोरेजियस होता है, उसमें टेम्परेंस होती है,
वो जुडिशियस होता है जी, और औरत की जो एजुकेशन है वो एक परफेक्ट औरत बनाती है, तो उस परफेक्ट औरत में क्या क्या शामिल है जी? वो पेशेंस रखती है, पेशेंट है, उसके अंदर डोसिलिटी है, डोसिलिटी डोसाइल, जी, गुड ह्यूमर, फ्लेक्सिबल, होम मेकिंग स्किल्स, बेकरी, म्यूजिक एंड आर्ट, लेकिन लेकिन ये जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने रूसो को रिप्लाई किया, रिप्लाई दिया, और इसने कहा नहीं, जो एजुकेशन है खवातीन के लिए उसका एम ये नहीं होना चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए? नंबर वन, ये ऊपर आपने हेडिंग क्या देनी है कि क्राफ्ट का आंसर किसको? रूसो को, उसको लेटर का रिप्लाई बाय क्राफ्ट, वॉलस्टोनक्राफ्ट, वॉलस्टोनक्राफ्ट, नंबर वन, डेवलपमेंट ऑफ रेशनैलिटी। आपको पता लग रहा है ना कि बात किसकी हो रही है? ओवरऑल लिबरल फेमिनिज्म की। तो देखो कहानी कहां पे आई है, इधर देखिएगा, इधर इधर इधर, मैन रैशनल है तो वुमेन भी क्या है? रैशनल है। तो एजुकेशन देनी है तो किसके लिए देनी है? रैशनैलिटी की, डेवलपमेंट के लिए, ना के औरत को डिसाइल और वो जिस तरह से बात की है वो बनाने के लिए, उसकी भी क्या डेवलप करानी है? रैशनैलिटी। नंबर टू, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैपेबिलिटीज। जैसे हमारे यहां है कि औरत जो है वो अपना मॉरल दायरा तय करने से कासिर है, तो उसका वो दायरा कौन तय करता है? मर्द डिटरमिन करता है। लेकिन यहां पर एजुकेशन का मकसद, फिर मैं कहूंगा इस पे फोकस करें, सब कुछ यहां से निकलेगा, इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। औरत क्या है? मर्द रैशनल है तो औरत भी क्या है? तो जब मर्द चॉइसेस ले सकता है, औरत भी चॉइसेस ले सकती है। चॉइसेस क्या होती है? गुड भी होती है और बैड भी होती है, क्योंकि वो इक्वल भी है और फ्री भी है, रैशनल भी है और उसके अंदर फ्री विल भी है, और वो सोशल लाइफ की अपनी कंस्ट्रक्शन भी खुद कर सकती है। और नंबर थ्री, डेवलपमेंट ऑफ फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपमेंट ऑफ फुल ह्यूमन पोटेंशियल। जी, तीन हैं एम्स, तीन एम्स ऑफ एजुकेशन। पहला डेवलपमेंट ऑफ, नंबर टू डेवलप, नंबर वन डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी, नंबर टू डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैपेबिलिटीज, और नंबर थ्री मेंट ऑफ फुल ह्यूमन पोटेंशियल। अब आ जाए एक और बंदे का नाम लिखें जो इसी सदी में है, इमैनुअल कांट। नाम सुना होगा आपने, कांट, इमैनुअल कांट। और इतनी बड़ी स्टेटमेंट कांट ने दी है ना, फेमिनिज्म को उठा के रख दिया। उसने कहा कि अनलेस अ पर्सन एक्ट्स ऑटोनोमसली, अनलेस अ पर्सन एक्ट्स ऑटोनोमसली, ही शी एक्ट्स लेस देन अ ह्यूमन बीइंग। जी, अब आ जाए लिबरलिज्म एंड 19th century। ये कौन सी हो गई? 18वीं हो गई, लिबरलिज्म एंड 19th century। और अब बात होगी लिबर्टी की, इक्वल लिबर्टी। और इसमें दो बड़े लोग हैं जिन्होंने रोल प्ले किया, एक जेएस मिल और एक हैरियट टेलर मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, क्या इंटेलेक्चुअल जोड़ी अल्लाह ने ये बनाई थी, क्या बात है, ठीक है, ऐसा मजा है ना, बंदा भी फिलोसोफर है, बीबी भी फिलोसोफर है, नहीं
जी हेरियट टेलर मिल, हेरियट एच ई आर आई ई टी, हेरियट टेलर मिल। दो बातों के ऊपर ये इकट्ठे थे, नंबर वन, जी नंबर वन रेशनैलिटी, दोनों क्या है, और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मिल कहता था कि औरत जो है वो दो चीजों से उसको राइट्स मिलेंगी, नंबर वन एजुकेशन से और नंबर टू एम्प्लॉयमेंट से। जी जबकि जो टेलर है वो समझती है कि जो पेरेंटिंग है और हाउस होल्ड है ये रुकावट है इन दोनों चीजों में, पेरेंटिंग एंड हाउस होल्ड। और इसी के अंदर आपने डिस्कस करना है सफ्रेजिस्ट मूवमेंट, राइट टू वोट, इसी में सेनेका फॉल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन। फॉल कॉन्फ्रेंस 19वीं सदी के अंदर लिबरल फेमिनिज्म दो हिस्सों में तकसीम हुआ, एक रिफॉर्मिस्ट दूसरे रेवोल्यूशनिस्ट, एक रिफॉर्मिस्ट वर्सेस जी और 20वीं सदी, और 20वीं सदी के अंदर जो बड़ा फिलोसफर है वो जी उसका नाम है जी बैटी फ्रेडनेन, पता होगा आपको, क्या किताब का नाम है बैटी का, एमसीक्यूज याद नहीं किए हुए आपका, पेपर आ रहा है भाई, द फेमिनाइन मिस्टेक, बैटी फ्रेडनेन। जी वेरी गुड, द जी बिल्कुल, जी इन्होंने ज्यादा जो फोकस है वो किया एक डिबेट के ऊपर, उस डिबेट का नाम है सेमनेस वर्सेस डिफरेंसेस, क्योंकि लिबरल फेमिनिज्म का सबसे बड़ा जो क्लेम है वो क्या है कि जो मर्द कर सकता है वही क्या कर सकती है, औरत कर सकती है। तो फिर इन्होंने आके ये डिबेट की कि क्या जो मर्द करता है सेम उस जैसा करना जेंडर इक्वालिटी है, या जो डिफरेंसेस हैं उनको मानते हुए औरत का इक्वल राइट्स एंजॉय करना, ये क्या है, ये इक्वालिटी। तो ये डिबेट जो है ये किसने किए, बैटी फ्रेडनेन ने। क्लियर होगी बात, तो ये मेरा ख्याल है काफी है, हम जो है लिबरल फेमिनिज्म जो है उसके ऊपर फिर अपनी डिस्कशन जो है उसको, और दूसरा एक और चीज भी, एक क्रिटिसिज्म भी करना होता है। अच्छा जी अब यहां पर एक बड़ी टेक्निकल बात है वो बता दूं, अगर तो सवाल आए किसी एक थ्योरी पे, सिंगल थ्योरी पे आए हुए हैं बड़ी दफा, तो फिर सवाल का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, बराए मेहरबानी ये कुछ चार पांच चीजें जरूर ऐड करनी है। सबसे पहली चीज, अगर सिंगल थ्योरी पे क्वेश्चन आए, नंबर वन इंट्रोडक्शन आपने लिखना ही लिखना है, फिर आपने उस थ्योरी की फिलोसफिकल बेसिस लिखनी है, नंबर थ्री फिर आपने लिखना है कि उस थ्योरी के मेजर थीम्स क्या हैं, क्लेम्स क्या हैं, मेजर अजम्पशंस क्या हैं, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट, दस पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी मेजर अजम्पशंस बतानी है, फिर बताने कि उस जो फेमिनिज्म की वो है थ्योरी है उसके मेजर थिंकर्स कौन है, फिर उनका बेसिक बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बाद इस थ्योरी के अंडर फेमिनिस्ट एक्शन कौन कौन सा हुआ, ये टर्म लिख देनी है, फेमिनिस्ट एक्शन कौन सा हुआ है। मसलन जब आप लिबरल फेमिनिज्म लिख रहे होंगे तो आपने साथ बताना है कि जब फेमिनिस्ट एक्शन की बात करेंगे
तो हमने साथ लिखना है कि सफरेजिस्ट मूवमेंट, साथ हमने लिखना है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो जो भी कॉन्फ्रेंसिस हुई, जो जो कोई नया एक्ट पास हुआ, वो सारे हमने इसके अंदर क्या करने हैं जी, मेंशन करने हैं। और आखिरी बात, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव जरूर देना है, ये याद रख लें आप। सवाल वो लिबरल फेमिनिज्म पे दे रहे हैं, आपने काउंटर पर्सपेक्टिव जरूर लिखने हैं, मिनिमम तीन जरूर लिखें, लेकिन वक्त को देखते हुए आपने उनको क्या देने, सिर्फ 5% से 10% मेंशन करने। सवाल लिबरल फेमिनिज्म पे आया, इसके डायरेक्ट ऑपोजिट कौन है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, इसके डायरेक्ट ऑपोजिट कौन है, लेट से रेडिकल फेमिनिज्म, इसके ऑपोजिट और कौन है, साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म। तो आपने उन तीनों थ्योरीज को काउंटर पर्सपेक्टिव के अंदर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देने कि इन इश्यूज के ऊपर सिर्फ लिबरल फेमिनिज्म की जुबान नहीं है, बाकी भी थ्योरीज हैं जो क्या करती हैं, इसको डेवलप करती है। जी डन हो गया, जी समझ आ रहा है, नहीं जो उसको अपोज करती है, काउंटर पर्सपेक्टिव यही होता है ना जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सेकंड थ्योरी पे ऊपर हम जा रहे हैं, यहां तक हम क्लियर हैं जी, सेम पेज पे समझ आ रहा है जी। फरवा रिफॉर्मिस्ट वर्सेस रेवोल्यूशनिस्ट जी, सबका काउंटर पर्सपेक्टिव देंगे। जी बिल्कुल, सबका काउंटर पर्सपेक्टिव देंगे। नहीं, कोशिश करें 2 से 3 थ्योरीज का काउंटर पर्सपेक्टिव लिखें, मकसद है एग्जामिनर को यह बताना। और सबसे ऊपर क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन। अगर आप नहीं लिखेंगे डैट मीन्स कि आपको थ्योरी नहीं आती। ये एक आम जो बच्चा जिसकी अच्छी जेंडर स्टडीज होती है ना, उसको अगर ये पता लग सकता है तो जिसने पीएचडी किया हुआ, और आपको पता है पीएचडी जो जेंडर स्टडीज है ना, वो ना होने के बराबर है, या एमफिल, तो ये बड़े थोड़े लोग हैं। और ये बड़े स्ट्रिक्ट है, पता है क्यों स्ट्रिक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हवाले से इतने मामलात खराब हैं, ठीक है, कि जो पढ़ाने वाली भी ख्वातीन होती हैं या जो इस चीज को जो एक्टिविस्ट हैं, उनको खुद डेली लाइफ में जो मस्कुलिनिटी है वो उनके सामने खड़ी होती है, ठीक है, तो वो उससे तंग भी आए होते हैं ना, ठीक है, इसलिए फिर जेंडर में कभी कभी मार भी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, चीज को देखने का अंदाज होता है, उसके अंदर मस्कुलिनिटी डोमिनेंट होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है। चलें जी नेक्स्ट आ जाए जी, रेडिकल फेमिनिज्म जी। रेडिकल फेमिनिज्म जो है, ये पहली चीज तो ये लिख लें कि ये एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, और दूसरी चीज ये समझते हैं कि किसी भी सिस्टम के अंदर मर्द और औरत के गैप को ब्रिज करने के लिए रिफॉर्म काफी नहीं होती, ये रिफॉर्म्स के कायल नहीं है, ये किसके कायल है, ये इलिमिनेशन ऑफ द सिस्टम और उसकी जगह पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम, ये उसकी बात करती है। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है अभी, तो वो फिर बाद में आते हैं ना कि वो इनका मेन क्लेम क्या है, मेन ये चीज है कि इनकी अप्रोच क्या है, क्या ये विद इन द सिस्टम बेहतरी कर सकते हैं रिफॉर्म्स, क्योंकि जो लिबरल फेमिनिज्म है वो सिस्टम को जड़ से उखाड़ने की बात नहीं करता। लिबरल फेमिनिज्म क्या कहता है कि हम लॉज के थ्रू, डिफरेंट सोशल इंसेंटिव के थ्रू, औरत के जो और मर्द के दरमियान जो गैप्स है उनको क्या कर सकते हैं,
ब्रिज कर सकते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हम ऑल टूगेदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपसाइड डाउन करना पड़ेगा। थर्ड चीज, कोशिश करें, मैं अभी एक चार्ट जो है ग्राफ वो भी जरूर बनाने आपने हर क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आपने कोई भी थ्योरी जब लिखनी है तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखें और इंट्रोडक्शन के बाद उसका क्या बना दें, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दें या डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन बना दें। और कोशिश करें कि यहां ऊपर थ्योरी का नाम लिखें, नीचे बताएं कि उस थ्योरी का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, उसकी कॉज ऑफ इनइक्वालिटी क्या है और इसी तरह उसके नीचे। तो ये एक आधे पेज के ऊपर, वन पेज के ऊपर उस पूरी थ्योरी का जो लुबे लुबाव है, जो उसका बेसिक आर्ग्यूमेंट है, वो आप पहले पहले ही दे दें और फिर उसके बाद बेशक हेडिंग बना लें कि फिलोसफिकल बेसिस या थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म या लिबरल फेमिनिज्म। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये फलसफे के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए, जो क्या करते थे, जो बिल्कुल कोई भी एग्जिस्टिंग चीज है उसके उसको खत्म करके उसकी जगह पर एक नया, एक रेवोल्यूशनरी मॉडल, जैसे मार्क्सिज्म है, तो मार्क्सिज्म क्या है, एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। तो इस चीज ने इन्फ्लुएंस किया जो फेमिनिज्म के अंदर खवातीन थी उनको भी, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो पेट्रियार्की है ये रियल रूट कॉज है बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो गैप है, जो डिफरेंसेस हैं, उनकी रूट कॉज क्या है जी, पेट्रियार्की है जी। पेट्रियार्की में क्या क्या शामिल है, नंबर वन जेंडर रोल्स शामिल है, जेंडर रोल्स शामिल है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन शामिल है, जी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, जी ऑब्जेक्टिफिकेशन, जेंडर रोल्स, वानिया अब्यूज स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, रेप कल्चर, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, शेमिंग, लैंग्वेज, अनइक्वल पे, लैक ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स, जी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और रिप्रेजेंटेशन थ्रू पेट्रियार्क, जिस तरह मोनार्क होता है ना, इसी तरह पेट्रियार्क। इन शॉर्ट पेट्रियार्की एक ऐसा निजाम है जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज, मुख्तलिफ स्ट्रेटिफिकेशंस, मुख्तलिफ नॉर्म्स वो मौजूद होती है, जिसमें मर्द डोमिनेंट होता है, पावर स्ट्रक्चर मेल डोमिनेंट, इनहेरिटेंस मेल डोमिनेंट, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज मेल डोमिनेंट, हेल्थ एजुकेशन मेल डोमिनेंस। इन शॉर्ट जिंदगी के जितने भी पहलू हैं वहां पर टोटल जिंदगी की जो गेम है वो किसके गर्द घूम रही है जी, पेट्रियार्की, मेल डोमिनेंस। अच्छा, यहां पर औरतें जो है ना, उनको थोड़ी मेंटालिटी समझनी है कि वो मेल और फीमेल, जब हम बात करते हैं रेडिकल फेमिनिज्म की, तो यहां पर औरतों ने क्या किया है, उन्होंने मर्द को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है कि हमारे इश्यूज के लिए
हमारी स्टडीज के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए औरतें जो है वो क्या है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। एक ऐसा निजाम, क्योंकि बेसिकली पेट्रियार्की के पीछे कौन है, मेल है, तो सारी फसाद की जड़ कौन है फिर, मेल ही है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हम अपने एकेडमिकली अपने इश्यूज के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेल ने रोल एक्वायर किया हुआ है हमारे बिहाफ पर चीजें डिसाइड करने का, हम इनके साथ जी सिस्टरहुड कॉन्सेप्ट, हम इनके साथ निगोशिएट नहीं कर सकते, हम इनको स्पेस नहीं दे सकते कि ये हमारे दायरा कार के अंदर आए। सो विमेन इश्यूज अब कौन डील करेगा, ओनली वुमेन। वुमेन इश्यूज किसके लिए कौन डील करेगा जी, वुमेन जी। ये आगे चल के अभी बात करेंगे ना, रेडिकल वर्ड है ना, तो जरा आहिस्ता आहिस्ता इसको रेडिकल करते हैं ना, यकदम ही ना रेडिकल कर दें जी। क्लियर हो गए? अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये कहते हैं कि अबॉलिश कर दें पेट्रियार्की को, पेट्रियार्की को क्या कर दें, अबॉलिश कर दें जी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उसके बारे में बड़ा ही सख्त मौकफ है इनका। मैरिज को ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है, लेजिटिमाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है। और औरत का जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, ये औरत को कहती है बंदे से वो इख्तियार वापस ले लो, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है ना वो मर्द से वापस ले लो, जरूरत नहीं है तुम्हें, यू डोंट नीड टू रिप्रोड्यूस। ये तुम्हें किसने कह दिया कि तुम रिप्रोडक्शन के लिए पैदा हुई? तो जब रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत ही नहीं है, तो फिर यहां पर स्पेस आई से होमोसेक्सुअलिटी की। औरत ने देखना शुरू कर दिया अपनी जो सेक्सुअल नीड है उसके लिए भी किसकी तरफ, औरत की तरफ। और ये एक वो है, एक सेकंड, ये मैंने एक कोटेशन निकाली हुई है, ठीक है, ये लिख लें जरा जी। जी ये एक औरत है जी, इनका नाम है फायरस्टोन, फायरस्टोन ये रेडिकल फेमिनिस्ट है। ये कहती है कि प्रेगनेंसी इज बारबेरिक जी, प्रेगनेंसी इज बारबेरिक एंड लाइक शिटिंग अ पंपकिन। प्रेगनेंसी इज बारबेरिक एंड लाइक शिटिंग अ पंपकिन। दो टाइप्स हैं जी रेडिकल फेमिनिज्म की, एक रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म जी, रेडिकल लिबर्टेरियन, ये जिसने कहा था जी उसका नाम है जी फायरस्टोन जी, रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म और रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म, रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म जी। ये जो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म है, ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए औरत को आर्टिफिशियल मींस की तरफ जाना चाहिए, बंदे की जरूरत ही ना रहे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, टेक्नोलॉजी। क्या है, टेक्नोलॉजी। और ये कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना पाकिस्तान के अंदर जो फेमिनिज्म, देखें जब तक आपको फेमिनिज्म की डेफिनेशन उस थ्योरी की नहीं आती होगी ना, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जितनी बर्थ कंट्रोल के मैकेनिज्म्स पाकिस्तान समेत दुनिया में मौजूद है, ठीक है, जितनी अबॉर्शन की डिबेट है, जितनी रिप्रोडक्शन की डिबेट है, वो सारी की सारी डिबेट रेडिकल फेमिनिज्म की डिबेट है। यूज ऑफ काउंटरसेप्टिव्स, ठीक है, बच्चे कम पैदा कराना या डिफरेंट और जो मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, सर्जरीज हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिकली किन के एजेंडा पे हैं, इनके। और जो एबॉर्शन है, अब अमेरिका के अंदर बड़ी जगहों पर एबॉर्शन क्या हो चुका है,
लीगलाइज हो चुका है, दुनिया के और हिस्सों में भी लीगलाइज हो रहा है। ये क्यों, ये इसके पीछे फलसफा क्या है, थेरी समझ आ रही है कि यहां पर फीमेल क्या सोच के बैठी है कि मेरा जो सफियर है मैंने उसमें से मर्द को क्या करना है, एक्सक्लूड का टोटली एक्सक्लूड करना है, और फीमेल ओनली जो दुनिया है, फीमेल ओनली जो जोन है उसको क्या करना है जी, डेवलप करना है, ठीक है। और इसी तरह जहां पर बात आती है रिप्रोडक्शन की और मदरहुड की, तो ये डिनाई करते हैं कि औरत के अंदर नेचुरल मदरहुड होती है। कितने लोग हैं हम में से यकीन रखते हैं कि औरत के अंदर फितरत ने क्या रखी हुई है, एक मां रखी हुई है। यहां पर एक कोटेशन लिख लें जी, चिल्ड्रन नीड देयर मदर्स, कोटेशन लिख लें जी, चिल्ड्रन नीड देयर मदर्स, मदर्स नीड देयर चिल्ड्रन, एंड ऑल वुमेन नीड टू बी मदर्स, एंड ऑल वुमेन नीड टू बी मदर्स, दीज ऑल आर सिंपल मेथड्स टू क्रिएट मदर्स। जी, एंड ऑल वुमेन नीड टू बी मदर्स आर सिंपली मीन्स टू क्रिएट मदर्स। ये सिर्फ और खवातीन को कन्विंस करने के लिए कि जी आप माएं ही हैं, ये वाला फलसफा ये कहते हैं कि मशहूर करा दिया गया है। कौन सा फलसफा जी, कि चिल्ड्रन नीड्स मदर्स, मदर्स नीड चिल्ड्रन, सो ऑल वुमेन नीड्स टू बी मदर्स। ये सिर्फ एक मैकेनिज्म है टू क्रिएट एंड प्रिपेयर मोर मदर्स। ये कहते हैं कि जो औरत है उसको आपने जब तक कन्विंस नहीं ना करना, ठीक है। देखें आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी मैरिड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड नहीं है, ठीक है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है, टू क्रिएट समथिंग। औरत क्या करती है, हमें किसी ने क्रिएट किया है ना, पैदा किया है, पूरा एक प्रोसेस है। वो जो प्रोसेस है उसको ये लोग समझते हैं कि वो रुकावट है औरत की तरक्की में, वो रुकावट है औरत के मोर सोशली पावरफुल होने में। तो इसलिए ये समझते हैं कि अगर औरत ने इम्पावर होना है तो उसने जो जिम्मेदारी, जो ठेका उठाया हुआ है बच्चे पैदा करने का, किसी तरीके से उसको इससे जान छुड़वानी चाहिए। एंड सिंपलेस्ट टर्म्स ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि आप किसकी तरफ जाएं, आप इस रिप्रोडक्शन के रोल को छोड़े ताकि आपके लिए रास्ता खुले किसका, डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का। आज भी देख लीजिए ना, जितनी अपर मिडिल क्लास खवातीन है वो बच्चे पैदा करने का टाइम ही नहीं ना होता इंडस्ट्रियल लाइफ में, ठीक है ना, इतनी छुट्टियां ही नहीं मिलेंगी, जॉब पे जाना है आपने। तो ये कुछ थेरीज हैं जो सोशल इन्वायरमेंट उसके साथ भी मैच करते हैं। उसके बाद आ जाए जी रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म, ये थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ करते हैं। एक चीज पे इत्तफाक है कि असल जो गेम डाली हुई है सारी पेट्रियार्की के अंदर वो है प्रोडक्शन के ऊपर ही और रिप्रोडक्शन के ऊपर, ये तो होना ही होना है। लेकिन वो कहते हैं कि हमें खत्म करने की बजाय रिप्रोडक्शन को हमें इसको कैश करवाना चाहिए। ये समझते हैं कि औरत के पास सबसे बड़ा जो पावर टूल है, जो बार्गेनिंग चिप है, वो है ही ये कि हर एबिलिटी टू कंसीव, हर एबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, हर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो ये समझते हैं कि हमें इसको गिव अप करने की बजाय मर्द के साथ जो अपने राइट्स हैं, मर्द के साथ जो अपनी पावर इक्वेशन है, मर्द के साथ जो अपना पावर बैलेंस है, उसको सेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस कैपेसिटी को, इस एबिलिटी को, एज अ निगोसिएशन, एज अ बार्गेनिंग चिप, एज अ बार्गेनिंग टूल, इसके तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात, जो टेक्नोलॉजी है, ये कहते हैं आपने टेक्नोलॉजी पे भी तो रिलाय करना है ना, तो इंसानी इमोशंस को टेक्नोलॉजी की भेंट चढ़ाने की बजाय बेहतर है कि आप मर्दों के साथ उसको बेटर टर्म्स में क्या कर लें, निगोशिएट कर लें, बेटर टर्म्स में
निगोशिएट कर रहे हैं। और आज भी ये दुरुस्त बात कि बहुत सारे मर्द, बेशक वो औरतों पे वायलेंस, कल्चरल वायलेंस करते हैं, लेकिन किसी हद तक अगर वो कंट्रोल्ड है, बड़ी हद तक उनके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट है, वो चेक है, तो वो क्या है, मर्द को इस चीज का एहसास है कि एक ऐसी चीज जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मुझे फिर भी इसकी जरूरत है, और वो क्या है, रिप्रोडक्शन। वो क्या है, रिप्रोडक्शन। तो दैट इज वाई फिर ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब ये आगे कल्चरल जो, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें उसके अल्टरनेटिव जो मैकेनिज्म है उनकी तरफ जाना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब जी आ जाए पाकिस्तान के अंदर, 8 मार्च को एक मार्च होता है, औरत मार्च, उसमें कुछ नारे लगते हैं, और जिसपे मैं और आप जैसे नौजवान जो हैं, जो थोड़े डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, बेशक वो मजहबी हो या कल्चरलिस्ट हो, वो उन लोगों को बड़ी कंटेम्प्ट की नजर से देखते हैं और बड़ी गालियां देते हैं। तो मेरा पॉइंट किसी को डिफेंड करना या वो नहीं है, मेरा मकसद है समझाना। उधर एक नारा लगता है, कौन सा, कि जनाब ये जो पिदरशाही निजाम है ये खत्म करो, पेट्रियार्की को खत्म करो। तो ये नारे जो है ना, ये कोई, जरा समझ रहे बात, ऐसे लोग जो है वो जो ये बैनर्स उठा के खड़े होते हैं, उनका ताल्लुक किससे होता है फिर, वो बेसिकली रेडिकल फेमिनिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फिर यहां पे आपने ये भी बात याद रखनी है कि जो पाकिस्तान के अंदर रेडिकल या लिबरल फेमिनिज्म है ना, वो रूट क्यों नहीं बना रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि वाई लिबरल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म या मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पाकिस्तान में क्यों पॉपुलर नहीं हो रहे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है, जो रेडिकल फेमिनिस्ट की टोन है ना, जो रेडिकल फेमिनिस्ट का डिस्कोर्स है, वो डायरेक्ट ऑपोजिट है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी कल्चरल अजम्पशन से। एक बंदे को आपने बात इतनी करनी है कि औरत और मर्द में बराबरी होनी चाहिए, तो उसके लिए अगर आप सिंबल्स कौन से यूज करेंगे, रेडिकल फेमिनिज्म के, तो लोग फर्दर डिवाइड होते और फर्दर ऑफेंड होते। तो इसीलिए फिर डिस्कोर्स या डायलेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ये एक बहुत बड़ी रीजन है। ये इसी के अंदर ही आएगा ना, ये कहते हैं ना कि रिप्रोडक्शन, गेस्टेशन, ये चीजें जो हैं ये बड़ी मुश्किल हैं, और ये सिर्फ औरत जो है उसको अपने ही इख्तियार के अंदर रखनी है, ना कि मर्द जो है उसके सपोर्ट करें। अब आते हैं जी सबसे मुश्किल सपोजेडली, ठीक है, और जो सबको, सब बच्चों को टेक्निकल लगती है ज्यादा, साइको एनालिटिकल फैमिलीज। जी ना करो, कब की बात है ये, आर यू श्योर गाइस, ये होना था, ये होना था, ये होना था। अभी देखिए जनरल फैज को नॉमिनेट भी करेंगे, यार ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं, ये वर्कशॉप नहीं होनी चाहिए, आग लग जाए इस वर्कशॉप को, आग लग जाए सीएसएस के पेपरों को, ठीक है, इतनी मजेदार चीज है यार। मुझे अभी भी शोर नहीं है, लेकिन अगर किसी को कंफर्म हो तो जरा ये खबर कंफर्म कीजिएगा कि हैज बाजवा बीन डीनोटिफाइड और नॉट। अच्छा प्रोपोगेंड है ये, कोई फेक न्यूज है जी। अच्छा वो पीएम साहब कह रहे हैं कि मैंने डिनाय कर दी। एनीवेज एआरवाई पे आ गया, अच्छा खबर है, अभी ऐसी बातें खबर ही होती है, खुल खुला के तो नहीं होती। चलिए एनीवेज हम थोड़ी देर में, जब तक ये ट्विस्ट जरा और बढ़ता है, ठीक है, हम अपना काम हैं,
हाँ अभी 12 नहीं बजे हैं, सबर कर लो, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। क्या हो गया भाई? ठीक है, बड़े काले हो तुसी यार। ठीक है, चलें जी, खैर जो भी है अभी थोड़ा होल्ड रखें, क्योंकि हमने, अगर फौज आ भी गई तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने निकलना नहीं है। मैंने तो नहीं निकलना, मैं तो सीधा घर जा रहा हूँ यहाँ से। आपने निकलना है? नहीं निकलना, आपने सारी करनी है, लिहाजा इजी हो जाए, इनकलाब कोई नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बाजवा साहब आ गए तो खैर है। ले जी, ये है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, ये बड़ी दिलचस्प है जी। ये क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं चलें जी, चलें सारे स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करें जी, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। ये कहते हैं जी कि मर्द और औरत के दरमियान जो मसले मसाइल हैं, जो गैप्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो इसलिए हैं बिकॉज साइकी डेवलपमेंट, माइंड, साइकी, कि मर्द और औरत की जो साइकी है वो डेवलप ही इस तरीके से होती है कि उसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंसेस हैं, और इस साइकी की जो डेवलपमेंट है उसका ज्यादा ताल्लुक किसके साथ है, हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ। किसके साथ है जी? इस साइकी का ताल्लुक है, या इस डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो है जी हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद ये जो चार स्टेजेस हैं जिसके अंदर ये साइकी डेवलपमेंट जो है वो टेक्स प्लेस होती है, यानी कि इनहेरेंटली कोई जेंडर नहीं है, कोई मेल या मस्कुलाइन या फेमिनाइन नहीं है। ये साइकी क्या की जाती है, क्या होती है, डेवलप होती है। कितनी स्टेजेस में होती है जी? 4 स्टेजेस में होती है। नंबर 1 पता ही है आपको, ओरल स्टेज, ओरल। दूसरी कौन सी है जी? कौन सा पेपर देना है आप लोगों ने? किस किसने जेंडर स्टडीज पढ़ी हुई है? पेपर नहीं देना इस दफा? पहले तो सारे कह रहे थे हमने पेपर देना, तो ये पढ़ा नहीं हो स्टेजेस हैं? मिक्स हो को हो गया, कोई बात नहीं है, आपसे ज्यादा मेरे स्टेक्स हैं। ठीक है, ठीक है। ओरल डेवलपमेंट स्टेज, नंबर 2 एनल, नंबर 3 फैलिक, और नंबर 4 जेनिटल। जी जेनिटल जी, ओरल स्टेज जो है वो 0 से लेके 1.5 साल तक है जी। कामरान नवाज साहब, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि वो पूछता है कि साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म जो है उसके ऊपर नोट लिखें, डिबेट करें, इस तरह से क्वेश्चन आता है जी। ओरल डेवलपमेंट 0 से लेके 1.5 साल तक। आगे जी एनल, हालात खराब हो गए हैं, 1.5 से 3 हालात खराब हो गए, यकीन कर लें, 1.5 से 3 पाकिस्तान जो है ना वो बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। अभी जब 20-30 रुपए यकदम पेट्रोल बढ़ने ना, जो भी हुकूमत आ जाए, मस मरना हम नहीं है। ठीक है, तो लग समझ जाएगी। नहीं नहीं, पेपर कभी भी डिले नहीं होंगे जी। नेक्स्ट 1.5 से 3 हो गया, नंबर 3 फैलिक स्टेज, 3 से 5, और जेनिटल स्टेज एक दरमियान में और भी स्टेज होती है, लेटेंसी। ठीक है, वो 5 से 12 तक होती है, और उसके बाद जेनिटल स्टेज है 12 से ऊपर अडल्टहुड तक जी। क्लियर होगी बात? अब यहां पर क्या है जी, यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझते हैं कि ये जो चारों स्टेजेस हैं, ये जो चारों स्टेजेस हैं, ये किसकी हैं? ये इंसान की जो साइकिक डेवलपमेंट है वो हो रही होती है, और किसके थ्रू हो रही होती है? प्राइमरीली जो हमारी
सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके थ्रू हो रही होती। तो इन चारों स्टेजेस पे सिगमंड फ्रायड, ठीक, सिगमंड फ्रायड जो मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए, साइको एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर, जी वो समझते हैं कि इन स्टेजेस के ऊपर इंसान जो भी एक्टिविटीज कर रहा होता है वो प्राइमरली अपनी सेक्सुअल साइकी उसकी फॉर्मेशन कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर जो पहली स्टेज है ऑरल स्टेज, इस पर वो समझते हैं कि उस टाइम का जो बच्चा है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, नंबर वन, कोई और चीज इनटेक करता है, ईटिंग करता है, उससे वो क्या कर रहा होता है, अपनी जो सेक्सुअल साइकी या ओरिएंटेशन है या डिजायर है उसकी फुलफिलमेंट कर रहा होता है। लेकिन उस टाइम चूंकि उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स है, वो डिवेलप अभी नहीं होते, लेकिन उसकी जो वो इंस्टिंक्ट है वो एक्टिव हो चुकी होती, तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन किससे करता है जी? जी वो जो इनवर्ड ऑरल चीजें हैं उनके थ्रू वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है। उसकी नेक्स्ट स्टेज में सेम प्लेयर, सेम फुलफिलमेंट ऑफ इंस्टिंक्ट वो किससे करता है? एनल स्टेज, यानी कि जो वो चीजें जिनसे एक्सक्रीट, छोटे बच्चे हैं ना उनको आप कभी नोटिस करेंगे, ठीक है, कि जब उनका पैंपर चेंज करने वाला होता है तो वो अक्सर औकात बाज़कद रोते हैं और बाज़कद बड़े खुश होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको प्लेयर मिलता है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट फ्रायड। और उसके बाद थर्ड स्टेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज इसके अंदर सेगमेंट फ्रायड कहता है ये है सबसे सिग्निफिकेंट चीज। और यहां पर क्या होता है, यहां पर जो बॉय है वो ऑडिपस, ये एक टर्म है जी, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो बॉय है, बॉय वो इसके अंदर एंटर हो जाता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्स ये है कि ये जो बॉय है इसको पता चलता है कि मेरे और औरत के दरमियान एक ही फर्क है, मेरे और औरत के दरमियान एक ही फर्क है, और वो क्या है? वो है पीनिस का। उस चीज से इसके अंदर क्या डेवलप होती है? सुपीरियरनेस। लेकिन प्रॉब्लम में ये कब आता है? प्रॉब्लम में ये तब आता है जब ये अपने अब्बे को देखता है। क्यों? इसको खतरा पड़ जाता है कि अब चूंकि मेरे अब्बे के पास भी सेम सोर्स ऑफ पावर है और मेरे पास भी, यहां पर याद रखिएगा, पीनिस एज अ सोर्स ऑफ साइकिक फॉर्मेशन की पावर है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है, इस स्कूल ऑफ थॉट को आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। ये समझता है कि अबा मेरा अब क्या है, मेरे ऊपर चौधरी है, तो ये उससे फियर करना शुरू कर देता है, डरना शुरू हो जाता है। और फियर इसको क्या होता है कि कहीं मेरी कैस्ट्रेशन ना हो जाए, कहीं मेरी कैस्ट्रेशन हो, ये कैस्ट्रेशन से डरते हुए उसके अंदर चला जाता है। और वहां से क्या होता है, वहां से जो बॉय है वो अपनी मदर उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जो सेम सेक्स है यानी कि फादर है उसके साथ इसका रिश्ता जेलसी और फियर, इन दो चीजों पर मबनी हो जाता है। जी जी मैं अभी उधर आऊंगा, औरतें जरा थोड़ा बाद में डेवलप करती हैं ये स्टेज। पहले औरत, लड़की मां के साथ बहुत जुड़ती है, लेकिन जब उसको छोड़ती है फिर वो टोटली फादर की तरफ आ जाती है। क्लियर हो रही बात? यानी कि वो ऑपोजिट सेक्स जो है उसके अंदर क्या करता है, और जो उसको इधर से फियर मिलता है ना, ठीक है, अब ये बात थोड़ी सी मॉरली इसको थोड़ा समझिएगा, हम जब जवान भी हो जाए ना, लड़कों की बात कर रहा हूं, आप कभी हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते बाद घर जाते हैं अपने, तो आप अगर अपनी मां को हक करते हैं ना,
तो आपको एक वो जिसको कहते हैं ना आपके अंदर हार्मोनल एक चेंज आती है फॉरन से, एंड यू फील लाइट, जिसको आप कहते हैं ना कि वाह जी वाह क्या बात है, वो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड एंड साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, वो तर्जुमानी है किस चीज की, कि जब आप बचपन में अपने अब्बे से क्या हो गए, डर गए और उससे जेलस हो गए और उससे दूर हो गए, तो उसको उसकी वजह से आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल गैप और एंजाइटी क्रिएट होती है उसको आप तलाश करते हो किसमें, एक औरत के अंदर, और उस टाइम एट डिस्पोजल वो इंस्टिंक्ट आपको कौन दे रही होती है। और यहां पर साइको एनालिटिकल वाले कहते हैं कि जिन लोगों को ये गैप बढ़ जाए, जिन मर्दों के अंदर ये गैप बड़ा हो, उनको अपने से बड़ी उम्र की जो औरतें हैं वो ज्यादा पसंद होती हैं, वो उनको ज्यादा, वो समझते हैं कि हमारी इनके साथ ज्यादा बांध सकती है। उसकी वजह वो जो सेंस ऑफ केयरनेस है, सेंस ऑफ मदरहुड है, वो उनकी सेटिस्फाई कहां पे होती है, अपने से बड़ी उम्र की औरत। या आपने नोटिस किया होगा ना, दो तरह के तबके हैं मर्दों में, एक वो जो वापस जाते हैं, कुड़ी जनाब 15 साल की होनी चाहिए, 16 साल की होनी चाहिए, और कुछ लड़के या मर्द हजरात ऐसे हैं जो अगर खुद 35 के हैं तो वो समझते हैं कि हमें 40 साल की औरत खातून पसंद, खुद 25 के हैं तो उनको 30 साल की जो औरत है उसके साथ ज्यादा अटैचमेंट है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ कि जो फीमेल है उसको पता क्या लगता है। वो ये कहता है फ्राइड के, जब 3.5 साल की होती है ना, 5 साल की, उसको दो बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर वन, एक कि मेरे साथ पीनिस नहीं है, और नंबर टू ये जो मेरे से ऑपोजिट है ना इसके पास है। दो चीजें उसके दिमाग में, वहां से वो क्या करती है, वहां से वो इसको वो उसने टर्मिनोलॉजी यूज की है पीनिस एनवी। वो किसका शिकार हो जाती है जी? पीनिस एनवी का शिकार हो जाती है, ठीक है। और वक्त के साथ उसको अंदाजा हो जाता है कि ये जो है मेरी मां, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। और वो इन दोनों के दरमियान जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो देख भी रही होती है, और उसकी साइकी भी उसके मुताबिक क्या हो रही होती है, डेवलप हो जाती है। इसी वजह से जब उसको लगता है कि इसके पास भी नहीं, तो वो अपने अब्बे को देखती है कि ये मेरे बजाय भी ज्यादा टाइम किसको दे रहा है, मेरी अम्मा को दे रहा है। इसीलिए वो दो काम करती है आउट ऑफ फियर। पहला काम वो कहती है अब्बे से दोस्ती लगा लो, और दूसरा क्या काम, अम्मा से जेलसी शुरू कर दो। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि वुमेन आर मोर जेलस ऑफ ईच अदर देन द मेन। क्लियर हो रही बात? कुछ बातें हैं जो हम अभी और बात कर सकते हैं, बट सिंस इट इज नॉट अ लेक्चर, इट इज जस्ट अ वर्कशॉप, तो मैं फिर डिटेल में, आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से ही, माय जो ज्यादा मेरी कंटेंशन है वो यही है कि आपकी एक रिवीजन भी हो जाए और आपको थोड़ी एप्लीकेशन। क्लियर होगी बात? तो फिर क्या है, ये समझती है कि मेरी मां की भी कैस्ट्रेशन हो चुकी है और मेरी भी हो गई है, तो इसीलिए जो बिहेवियर, जो साइकी यहां डेवलप हो रही है वो सेम साइकी जो है वो यहां पर की क्या की जाती है, कैरी फॉरवर्ड की जाती है। सीखता है बच्चा, साइकिक डेवलपमेंट होती है। इसी वजह से फिर खवातीन जो है वो ऑपोजिट जेंडर में अपनी सिक्योरिटी, और जो लड़का है वो ऑपोजिट जेंडर में अपनी सिक्योरिटी, ठीक है। और शेम एक और वर्ड है पाकिस्तान के अंदर बहुत यूज होता है, कि शर्म व हया औरत का क्या है, लिबास है, जेवर है। ये शेम अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पता है कहां से क्रिएट होती है। शर्म किसको कहते हैं? क्योंकि इसके पास पीनिस नहीं है और इसके पास भी नहीं है। इन दोनों को पता है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे से क्या करते हैं, छुपाते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं, छुपाते हैं, एक दूसरे से छुपाते हैं। वो जो छुपाना है वो इनको
क्या बना देता है, इस डिबेट में ले देता है कि हमें क्या आ रही है, शर्म आ रही है। और साथ दूसरी बात, ये हमारे यहां बड़े मर्द हैं, उनको ये तो पता है कि जो फिजिकल ब्यूटी है वो किसकी डोमेन है, किसकी है जी, औरत की है, तैयार शहर होना, ये वो, ये पता है क्या है, ये औरत ने कंपनसेशन ढूंढी हुई है कि चले अगर पीनिस नहीं है तो मेरी खूबसूरती में इजाफे के लिए मैं क्या कर लूं, मैं अपनी बॉडी के बाकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या बाकी ऑर्गन्स हैं उनके बनाओ सिंगार से मैं क्या कर सकती हूं, आई कैन गेट अ कंपनसेशन, आई कैन गेट एन अल्टरनेटिव, ये उसका अल्टरनेटिव है, बनाओ सिंगार ब्यूटी और उसके साथ प्लस शेम। क्लियर हो गया जी, इसमें कुछ और चीजें ऐड कर लें, नहीं नहीं इस पूरी जी साइको एनालिटिकल फैमिली जी, यहां से तो फिर खुल खुला के काम शुरू हो गया ना, यहां से तो बंदा आजाद हो जाता है, 12 साल के बाद तो बंदा क्या हो गया, फिर आजाद हो गया। आप देखते नहीं 12 साल के लड़के और लड़कियों को, 14 साल के लड़के और लड़कियों को, ठीक वेस्टर्न की भी है और हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तो रुकावटें हैं ना, बच्चे को जरा थोड़ा सा खोले तो सही, उसको मौका तो दें, ठीक है। आप सारे लोग जो हैं, लड़कों से मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, 6वीं 7वीं क्लास में मैडमों को कौन कौन फिल्में कराता था बताओ ना जरा, तब होश थी, करते थे कि नहीं करते, भाई बोलने कौन सी दुनिया से आए हो, करते थे कि नहीं करते थे, करते थे ना, ठीक है। तो तब कितनी एज होती थी, ये सेम एज है जब जेनिटल्स जो है वो दे स्टार्ट टेकिंग ओवर योर इंस्टिंक्ट्स, और एक दफा जब वो ये साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म कहती है कि जब जेनिटल्स रोल ले लेते उसके बाद बंदा सारी जिंदगी फिर लड़ाई करता है उनको कहां पे लाने की, वापस लाने की, लेकिन वो या कहां पे बैठ चुके होते हैं, अनकॉन्शियस में वो क्या हो चुके होते हैं, डोमिनेंट। और आपने नोटिस नहीं किया कभी जिन मर्दों को, खास तौर पे मैं पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूं जिसको हम हरफे आम में जिना की बात करते हैं, जो इस चीज के यूज टू हो जाते हैं, आपने नोटिस नहीं किया वो पूरी पूरी सल्तनत 100-100 acres, 50-50 acres पूरी पूरी अपनी जायदाद, अपने नाम इज्जत आबरू सब कुछ क्या कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, पागल तो नहीं है वो, नहीं, सिर्फ क्या है कि जो जेनिटल्स हैं वो डोमिनेट हो चुके हैं बाकी सारी उसके ऊपर। ताजमहल, वेरी गुड जालिब, ताजमहल किसकी एग्जांपल है, नहीं जेनिटल्स की, ठीक है, समझ आ रही बात की जी। लड़ाइयां, आपको क्या पता है कितनी लड़ाइयां मुआशरे में इस जेलसी की वजह से होती है, इस सारे चक्कर में होती है जो कि डिस्कस नहीं होती, बज़ाहिरन यही बताया जाता है कि मेरा उसके साथ फड्डा चल रहा है, ठीक है, मर्द है, उसको पता लग जाए ना कि ये बंदा जो है इसने मेरी बंदी पे नजर रखी हुई है, सही है, मैं पूछूं वो आपका सगा भाई भी हो, सगा बाप हो, ठीक है, आप उसकी टांग काट देंगे जी, अनारकली, वेरी गुड, हर तरह की एग्जांपल है हमारे पास। मैंने कहा ना फिर लेक्चर होगा तो फिर इसके ऊपर बात जरा ज्यादा हो सकती जी। सिगमंड फ्रायड कहता है, कोटेशन लिख ले, फरियाल मल खलील कह रही है हबील और कबील, यस, अगर हम एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को साइड पे रख के देखें, ठीक है, तो वो थी तो बहन ना, दोनों भाइयों ने सिद्धे हो गए कि नहीं हो गए, तो वो बहन बाद में है, औरत ऑपोजिट सेक्स पहले है, ठीक है जी। एनाटॉमी इज डेस्टिनी जी, उसकी डेफिनेशन कह ले, बेसिस कह ले, एनाटॉमी इज डेस्टिनी, और इससे मुराद क्या है, नंबर वन बायोलॉजी, जेनिटल्स विल डिटरमिन, जेनिटल्स विल डिटरमिन हाउ अ चाइल्ड विल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्या बात है कि जो हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, बायोलॉजिकल जो हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो डिटरमिन करेगा कि हम एज अ पर्सन, एज अ जेंडर कैसे होंगे,
एंड हाउ द चाइल्ड साइकी इज डेवलप्ड एंड हाउ द चाइल्ड जी एक सेकेंड, दो क्वेश्चन का टाइम नहीं है, दो सवा ग्यारह हो गए हैं, दो टर्म्स लिख लें। एक हमने लिखा है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये है मर्द की लड़के की तरफ, एक और लिख लें भाई इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो औरत को सेम ये चीजें होती है ना फील, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और जो मर्द है उसका क्या है ऑडिपस। ये ग्रीक बेसिकली मिथोलॉजी वहां से, ये खैर एक लंबी बात है, लिटरेचर के अंदर पढ़ा भी होगा शायद, वो औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये मर्द लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ये फैलिक स्टेज के अंदर है, दोनों इस माइंडसेट में चले जाते हैं जब ऑपोजिट जेंडर जो है उसकी तरफ जाना जरूरी हो जाता है ड्यू टू फियर, ड्यू टू एनवी। ठीक है, एक मैंने और टर्म बोल दी है पहले ही आपको। अच्छा एक चीज और भी लिख ले, कैस्ट्रेशन एंजाइटी, कैस्ट्रेशन एंजाइटी। आपने नोटिस किया होगा छोटे बच्चे बाज़कात बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, फियर में होते हैं, माएं उनकी कह रही होती है पता नहीं बड़ा चुप चुप रहता है, वो उस टाइम उसके अंदर ट्रांजेक्शन, वो बेचारा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से लड़ रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती क्या करूं मैं, क्योंकि जेनिटल्स तो अभी इवॉल्व नहीं होते ना उस स्टेज पे, प्राइमरी सेक्शुअल देखे ना, अब हम बड़े हो गए ना, अब अगर हमें फील हो ठीक है कि वी नीड टू हैव सेक्स तो हम अपने तौर पर कुछ कर सकते हैं, वो उस एज का जो बच्चा है वो इंस्टिंक्ट उसके ऊपर आ रही होती है लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा होता तो ठीक है। और दूसरा फिर वो जब ये सोचता है कि ये कहीं मेरे साथ भी ये हाथ ना हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए वो किस जगह पे होता है जी, इसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। और एक टर्म मैंने पहले भी बोल दिया पीनस एनवी, पीनस एनवी, ये चार टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपने लाजमी यूज करना जब साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म की बात है। और इसमें क्या है, ये बात करते हैं कि मर्द जब बड़ा हो जाता है तो वो साइको सेक्सुअली उसकी साइकी बन चुकी होती है कि मैंने औरत को, उसकी नीड बन चुकी होती है कि मैंने औरत को क्या करना है, सप्रेस करना है, सब्जुगेट करना है। यानी कि पीनस जो है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, सुपीरियरिटी, एक पावर, वो उस बुनियाद पर वो समझता है कि मेरा ये अनकॉन्शियसली क्या है, राइट है कि मैं क्या कर सकता हूं जी, औरत को सुप्रेस कर सकता हूं जी। रेप केसेस के अलावा भी बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, रेप केसेस बहुत, मैं तो रेप केसेस, रेप तो बहुत बड़ी टर्म है ना, मैं तो कहता हूं जो नॉर्मल बिहेवियर है ना पाकिस्तान में मर्द का, वो इस थ्योरी के ऊपर खड़ा है। बड़ा मुश्किल है रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि आप एक औरत और मर्द है और वो आपस में उनके दरमियान नो मैटर जिस तरह की मर्जी ट्रांजैक्शन हो, जिस तरह की मर्जी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन ये हो नहीं सकता कि किसी स्टेज पे वो एक या दोनों वो एक दूसरे को सेक्सुअल ओरिएंटेशन से बाहर जाके देखे, इसके अंदर जरूर देखता है इंसान, ठीक है। जैसे हमारे यहां मतलब छोटा मोटा हम लड़के हैं ना, थोड़ा हमारा राइट है, मसलन लड़की जा रही है, ये हमारा बड़ा नॉर्मल सा राइट है, सुभान अल्लाह, ठीक है, और जी किधर जा रहे हो, किधर आ रहे हो, यू नो ये छेड़छाड़ में भी नहीं आता, इतना सोशली क्या बन चुका है, एक्सेप्टेबल बन चुका है, सोशली एक्सेप्टेबल। आप लोग अगर थोड़े ओपन है ना दिली तौर पर और आपकी अपनी बेगम से या बहन से थोड़ी दोस्ती है तो आप इसको सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बड़े मजेदार चीज है, ठीक है। मसलन पांच छह लौंडे आ रहे, ठीक है, आप अपनी बहन या बीवी को कहें अच्छा आप देखना जरा थोड़ा एंजॉय करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा साइड पे हट जाए, छह लौंडे हो नहीं सकता कि गुजरते हुए जाते हुए ये ना कहें क्या बात है, यू नो ये इसको आप हरासमेंट कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ क्या है कल्चर उसमें मौजूद, ठीक है। और दूसरी बात जो पैटर्न्स हैं, खैर प्राइवेट फ्राइड के इस थ्योरी के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो क्रिटिसिज्म पता क्या है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, ये वेरीफाई नहीं होती,
समझ आ रही है बात की, ये वेरी कौन सा मर्द है वो किस कैफियत में जाएगा जब वो मानेगा कि मैं इस हालत में होता हूं और मैं ये सारा कुछ करता हूं। इसकी वेरिफिकेशन जो है वो क्या है, मुश्किल है, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल्स इतनी सख्त हैं बाज़ कि बच्चे फिर वो कहते हैं कि लो 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 ये तो गलत हो रहा है, हालांकि ये प्रैक्टिकल हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देखे ना जो 80s 90s के बच्चे हैं, 90s के याद है ना, हम 90s के बच्चे हैं ना सारे, तो हमारे पेरेंट्स की दफा तो लव यू नहीं होता था, तब तो 18-18, 19-19 साल की उम्र होती थी, उधर से पकड़ के लाते थे, इधर से पकड़ के लाते थे, शादी हो जाती थी, ठीक है। और आपकी तरह आज की तरह ये भी नहीं था, कहीं मिल लिया कहीं कुछ कर लिया, ठीक है। तब पहली दफा तभी देखते थे जब घूंघट उठाते थे, 11:30 बजे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में दूल्हे को अंदर जाने देते हैं, 11:30 बजे वो अंदर जाते हैं, जिंदगी में पहली दफा मिलते कितने बजे, 11:30, ठीक है। और बच्चा पैदा करने का अमल 12:30 तक हो चुका होता है, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, ठीक है, वो तमाम मरहले भी अबूर हो गए, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये इसका ताल्लुक है इसके साथ कि जो औरत है अभी पाकिस्तान में आज भी देख लीजिए, खवातीन का माइंड शादी से पहले क्या किया जाता है, शेप किया जाता है, ट्रेन किया जाता है कि पुत्र रेडी रहना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं, यही है ना। ये खवातीन बैठी है, इनसे पूछे हमारे इर्द गिर्द क्या होता है, सही है ना। औरत का माइंड शेप कर दिया जाता है कि ये होना ही होना है, ठीक है। तो वो पहले से जेन उसने बना लिया होता है कि मर्द का हक है, मर्द का हक है, तो वहां से क्या होता है। और बंदे ने भी जेन बनाया होता है, हम मर्द लड़के हैं ना, ये लड़कियां अभी निकल जाए ना क्लास से और ये क्लास ऑनलाइन ना हो, तो मैं आपको सिगमंड फ्राइड की सारी सिगमंड फ्रेडी जो है वो इधर इसी क्लास से निकाल दूं। ऐसे ही लड़के क्या डिनाई कर सकते, मुझे बताया ना जिसकी शादी होने वाली हो, 1 हफ्ता पहले, कसम खुदा की सही जेन्युइन बात करो, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले आपने नोटिस करने उसको मशवरे और बातें किस नोयत की होती। ये जो आप कहते हैं ना पाकिस्तान में लड़के जो हैं वो उस पे जा रहे होते हैं शादी वाले दिन, उनके जेन में एक ही चीज चल रही होती है, वो कुछ उनका कसूर होता है, कुछ मुआशरे का होता है। हाँ भाई आज तो बड़े चमक रहे हो, क्या बात। फिर आपने नोटिस किया होगा बरात वाले दिन बंदे को मिलोगे ना ऐसे बेचारा परेशान होता है, वलीमे वाले दिन उसको मिलोगे ना, आप जिसको कहते हैं ना चेहरे पे बड़ा नूर आया हुआ है, ग्लो आई हुई है, वो क्या है भाई, जिस बंदे के जेनिटल्स उसके यहां पे सवार है तो वो स्ट्रेस्ड होगा, जब वो उसका सिस्टम ठीक हो जाएगा अगले दिन उसके चेहरे पे क्या आ जाएगा, नूर आ जाएगा, ग्लो आ जाएगी, इतनी सी कहानी। और इसी चक्कर में औरत जो है वो एक साइकी में क्या हो जाती है, ट्रेन होना शुरू हो जाती है कि मर्द का हक है किसके ऊपर, और पीछे से इस जाविये को तकवियत कौन देता है, कौन देता है, मजहबी रसूमात, ठीक है। मसलन एक हदीस है, बड़ी ज़ईफ हदीस है, कुछ मौलवी तो उसको मानते भी नहीं, कि जनाब औरत को अगर मर्द ने कह दिया कि जनाब सिस्टम आज ऑन होना चाहिए और औरत ने उसको क्या कर दिया, इनकार, तो सारी रात क्या होगा उसके ऊपर लान तान होगी, जन्नुम जो है वो सारी रात वो जन्नुम में जलेगी। वो औरत समझती है चौधरी है मेरी ड्यूटी है। और इसी वजह से पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो पैसिव सेक्स है, कौन सा पैसिव सेक्स, वो डोमिनेंट है, इसी वजह से तलाक भी होती है, इसी वजह से मर्द दूसरी शादी की तरफ भी जाता है, ठीक है। इसी वजह से बहाना ये लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, बहाना ये लगता है ये जुबान इसकी बड़ी तेज है, बहाना ये लगता है ये कपड़ों में बड़े पैसे लगाती है, बहाना ये लगता है इसका खानदान उसको तमीज नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या चल रहे होते, सेक्सुअल इश्यूज चल रहे होते, समझ आ रही बात की। तो ये थ्योरी जो है ये बड़ी हद तक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आप बहस नहीं करते, जो साइको सेक्सुअल, वेरी गुड जी, फोर्सफुल सेक्सुअल फैंटेसीज, मर्द जो है, ठीक है, खास तौर पर ये जब से पोर्नोग्राफी का ट्रेंड आया है, ठीक है, तो मर्द के दिमाग में अंदर जो एक फैंटेसीज हैं कि जनाब दिस इज हाउ इट शुड बी डन, दिस इज, तो वो क्या करते हैं, एक नेचुरल एक्ट को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एक मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। जैसे आपने दीवार पे लाइनें मार ली, शायद इसी तरह आप कोई भी
जो सिलसिला है उसको उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है, रेप विद इन द मैरिज होता है, रेप विद कॉन्सेंट होता है। कई खवातीन है वो बोल नहीं पाती, कितनी बड़ी शेम है इसके ऊपर। बच्चों के अंदर भी आजकल देखे ना अवेयरनेस हम फैला रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज क्यों हो जाता है। जो बच्चा बचपन में एक दफा रेप हो जाए ना और उसने कभी बात ना की हो, वो साइकी सारी जिंदगी उसको क्या करती है, फिर हॉन्ट करती है, वो सारी जिंदगी उसका बिहेवियर ही उस तरह का हो जाता है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह वो खवातीन जब बड़ी होती शादियां हो जाती तो फिर उनके मर्द जो है वो उनको जिस तरह की मर्जी सेक्सुअल प्रोपोजिशन में रखते हैं, वो बेचारी कई इज्जत के लिए, कईयों को पता ही नहीं होता, अल्लाह मतलब अल्लाह भला करे, कईयों को पता ही नहीं, नाम के लिए मुख्तलिफ चीजों के लिए वो फिर सप्रेशन फेस करते हैं। और इसी वजह से फिर आपने देखा होगा इंडिया के अंदर खास तौर पर या गोरे ने बड़ी बड़ी ऐसी मूवीज बनाई हैं जिसके अंदर दो बड़े खुश लोग हैं आपस में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो गैप्स हैं, ये सेक्सुअल गैप्स हैं, वो इतने वाइडेंड हैं कि उनका रिश्ता बिल्कुल टूट चुका होता है या कहीं ना कहीं आगे चल के टूट जाता है। तो ये इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो साइकी है उसकी रीओरिएंटेशन से मुआशरा ठीक होगा। आपको साइकी को जो चेंज करना है, पैटर्न्स चेंज करने हैं, तब जाके तो ये मेल और फीमेल की डिबेट खत्म होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर हो गया जी? चल आगे चलते हैं जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है जी? जी समझ आ रहा है? अब आप लोगों ने चूंकि पहले से ये पढ़ रखा है तो आप बेहतर जी भाई, दो मिनट जो है जो बातें आपको आई हुई है मुझे वो आपसे ज्यादा आई हुई है, ठीक है? जो बातें आप करना चाहते हैं मैं उसका अच्छा वर्जन आपसे कर सकता हूँ, ठीक है? लिहाजा ये क्लास है। अच्छा आपने कैसे सोचा था? कहां से कहां बंदे के अंदर ही है यार, बंदे के अंदर ही है, बंदे से बाहर तो कुछ भी नहीं। चले जी नेक्स्ट चलते हैं हम जी। अप्लाई मैंने अभी बताया तो है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेप के केसेस हैं, वायलेंस के केसेस हैं, मर्द और औरत के दरमियान जो डाइवोर्स के इश्यूज हैं, जितनी मैंने वो जिनसे आप चस्के ले रहे थे प्रैक्टिकल बातों से, वो एग्जांपल्स हैं और वो इश्यूज हैं। चूंकि ये इश्यूज क्वांटिफाई नहीं हो सकते, मैंने कहा है ना वो कौन सा मर्द होगा जो ये मानेगा कि मेरे और मेरी बुड्ढी का प्राइमरी मसला सेक्स का है। प्राइवेट अंधेरे में तो मर्द मान जाता है क्योंकि हमने बड़ों को मनवाया है इस थेरी की एप्लीकेशन, क्योंकि ये थेरी जब बंदा पहली पहली दफा पढ़ता है ना, ठीक है, साइकोलॉजी अगर आप में से किसी ने पढ़ी है तो उसको तो फिर और अच्छी तरह पता है। तो मर्द हो या औरत, वो शेम के अंदर है ना तो वो दूसरों के सामने नहीं मान सकता, ठीक है? उसको प्राइवेट जगह पर ले जाए, अंधेरा कर दे और उसको कहें कि हाँ भाई दस, तो वो हल्का हल्का, वो भी 15-20 मिनट लेगा, 15-20 मिनट के बाद बताना शुरू करेगा। दैट इज वाई हमें लगता है कि पाकिस्तान में ये थेरी की एप्लीकेशन कोई नहीं है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा इस थेरी की जरूरत है, यहां पर एक सेक्सुअल रेवोल्यूशन की जरूरत है अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, मेरे मुताबिक नहीं, इस थेरी के मुताबिक, ठीक? मर्द को जी नुमैर, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात लंबी हो जाएगी, ऐसा ही है हमारी जो पोएट्री है, पोएट्री उसके अंदर देखे ना तो ये चीजें जो है ये इनडायरेक्ट वे में कन्वे की गई है, ठीक है? बात होती है, डिस्कशन होती है, लेकिन पीछे क्या मीनिंग्स छुपे हुए, इसी तरह के मीनिंग्स छुपे हुए। एनीवेज अब आते हैं जी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। जी फातिमा अभी प्लीज कंटिन्यू रखें, अभी हम थोड़ा थेरीज खत्म करके ही फिर आगे, अगर हमें कोई दोबारा निश्चित भी रखनी होगी तो कम से कम हम थेरी जरूर कंप्लीट करेंगे ताकि मेरा जो प्राइमरी टारगेट है वो अचीव हो जाए और आपके कुछ दो तीन सवाल जो हैं वो कम से कम इस एरिया से कवर हो जाएं। और यहाँ से स्टूडेंट मार भी खाता है,
पाकिस्तान पे भी जो सवाल आने उसमें आप इस बात पे मार नहीं खाएंगे कि आपके पास वो नहीं होगा, डाटा नहीं होगा या पाकिस्तान के इश्यूज नहीं पता होंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? जब इस थ्योरी को आपने पाकिस्तान पे लगाना है, तो वो हम इंशाल्लाह उस पे कर रहे हैं। ले जी, तो ये फेमिनिज्म को छोड़ देंगे हम, पहले हम बात करेंगे किसकी, मार्क्सिज्म की। तो पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है, उसने कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ, उसको बेहतर पता है कि मार्क्स जो है वो क्या कहता है। वो कहता है कि जो बेसिकली मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो ओनरशिप है वो सोसाइटी को दो क्लासेस के अंदर क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। एक हैव्स है और एक हैव नॉट्स जी, एक बोर्जुआस क्लास और एक प्रोलिटेरियट क्लास, एक कैपिटलिस्ट क्लास एक लेबर क्लास, एक लैंडलॉर्ड क्लास एक पेजेंट्स क्लास। जी हिना जफर जी प्लीज आप लेक्चर ज्वाइन रखें, रिकॉर्डिंग वगैरह का जो भी है वो बाद में देखेंगे। हैव और हैव नॉट्स, क्लियर होगी बात। अब इनके दरमियान जो फर्क है वो क्यों आया है, क्योंकि एक ओनरशिप रखता है किसकी, मॉड ऑफ प्रोडक्शन की। तो ये जो मॉड ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है ये क्या करती है, ये एक तबके को कैपिटल पे, पावर पे, इन दोनों चीजों पे क्या कर देती है, बर्तरी दे देता है। और आपको पता है, आप पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ा हुआ है आपने, तो ये जो कैपिटल और पावर या प्रोडक्शन, इसके ऊपर बर्तरी है। ये बर्तरी सिर्फ इन तीनों एरियाज तक नहीं है, ये बर्तरी बेसिकली कहां तक है, ये बर्तरी लाइफ के हर शोबे में फिर वाजे हो जाती है। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल जस्टिस, हर हर शोबे के अंदर फिर हमें क्या नजर आता है, दो तबके नजर आते हैं, और उनके दरमियान रिलेशनशिप की नेचर क्या होती है, एक्सप्लॉइटिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। तो एक दूसरे को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है। इसी तरह जो लिबरल मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, ये क्या कहते हैं, ये औरत को और मर्द को, औरत और मर्द को इसी तरह दो क्या ट्रीट करते हैं, क्लासेस ट्रीट करते हैं, एज अ जेंडर ट्रीट करते हैं, कि ये दोनों क्या है, अपोजिंग क्लासेस हैं, मेल और फीमेल। और जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, कैपिटल की ओनरशिप है, ये क्या करती है, ये मेल को एक सुपीरियर डोमिनेटिंग एक्सप्लाइटिंग क्लास के तौर पर बना देते हैं। जो औरत को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, एक्सप्लाइट करते हैं, और एज अ प्रॉपर्टी ऐसे समझते हैं कि ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है और हम इसके क्या हैं, ओनर हैं। तो जब ओनर हैं तो यू कैन यूज और एक्सप्लाइट विच एवर वे यू वॉन्ट, विच एवर वे यू वॉन्ट। तो इन दोनों के दरमियान जो प्राइमरी रिलेशन है वो किस चीज पे है, वो कॉन्फ्लिक्ट पे है, बेस्ड ऑन द ऑनरशिप ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब आप में से जिन बच्चों ने मार्क्सिज्म पढ़ा हुआ है या मार्क्स, कार्ल मार्क्स को पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि मार्क्स के पास इस चीज का सलूशन क्या था, रेवोल्यूशन, कि एक तबका क्या करे, दूसरे तबके के खिलाफ रिवॉल्ट करे, सिर्फ रिवॉल्ट नहीं करे बल्कि बकायदा जो रेवोल्यूशन है वो लेके आए, ताकि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसकी ओनरशिप पे किसका कब्जा हो, सबका कब्जा हो जाए, जो प्रोलिटेरियत है उनका कब्जा हो जाए। तो इसीलिए फिर क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, क्लास लेस सोसाइटी जो है वो क्या है, वो एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो इसी तरह जो आपकी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वो भी क्या बात करते हैं, वो कहते हैं मर्द और औरत के दरमियान जो मसले हैं, जो गैप्स हैं, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जो गैप्स हैं, वो ब्रिज नहीं हो सकते जब तक जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसकी जो ओनरशिप है वो
उसके अंदर से जो ओनरशिप है एक पार्टिकुलर पर्सन की या क्लास की, वो क्या कर दी जाए, वो खत्म कर दी जाए। जो ओनरशिप है उसको क्या कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, ताकि जो सारा पेट्रियार्की या एक्सप्लॉयटेशन का मॉडल है जो किसके ऊपर खड़ा है, जी जेंडरलेस सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ द ऑनरशिप ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, इन टर्म्स ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी मखसूस जेंडर के पास क्या नहीं होना चाहिए, मोड ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया जी? ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि मसले का हल क्या है। मसले का हल बात कर ली हमने कि क्लास सिस्टम को क्या कर दो, अबॉलिश कर दो। और अगली बात, जो कैपिटलिस्ट निजाम है उसके अंदर ये समझते हैं कि जो विमेन है, कौन विमेन, उनको एज अ प्रॉपर्टी, एज एन एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलिस्ट क्लास एक्सप्लाइटेशन करती है। मिसाल के तौर पर डबल एक्सप्लाइटेशन, फीमेल जो है वो पब्लिक स्पेस में, वो फैक्ट्री में काम करती है, वहां वो अंडरपेड है, और उसके बाद वो विदाउट पे घर में काम करती है, अनपेड लेबर। तो असल फसाद की जड़ फिर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जी, और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान है, अगर हम उसके अंदर बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी सख्त जरूरत है इस टाइम मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन की। नॉट इन द स्ट्रिक्ट सेंस के पूरा मुआशरा मार्क्सिस्ट थ्योरी पे चलना शुरू हो जाए, लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी राइट्स की, जब बात आती है वेजेस की, जब बात आती है अनपेड लेबर की, देखें ना कितनी खवातीन है जो सीएसएस पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं। लड़कियों के ख्वाब है कि हमने सीएसएस पीएमएस करने, ठीक है, आज तक आप एक एक औरत है पुलिस के अंदर जिसको आपने कोई बड़ा ओहदा दिया, डीपीओ बनाया, वो हेडलाइन बन जाती है, ठीक है। फिर 78% जो वेमेन है डॉक्टर, 70% वो एमबीबीएस करती है फॉर द सोशल प्रेस्टीज, शादी कर ली बस बात खत्म, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह एसीडीसी है, तो आप देख लें कि बड़े लेवल के ऊपर सेक्रेटरी लेवल तक, ठीक है, और डिफरेंट इस स्टेज पर डिफरेंट जो की पोस्टिंग्स हैं, फील्ड पोस्टिंग्स हैं, वहां पर खवातीन जो है उनको इतने पढ़े लिखे जो तबके और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना है। इसी तरह जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें फैमिली, मॉस्क, बहुत बड़ा इन पे क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म की तरफ से होता है कि ये एज अ टूल ऑफ कैपिटलिस्ट काम करते हैं, एज अ टूल ऑफ मैन काम करते हैं। इसी तरह अगर स्टेट की बात करें तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के करीब जो रियासत है ना, ये भी सिर्फ मेल की जो पेट्रियार्की है, मेल की जो प्रॉपर्टी की बुनियाद पर डोमिनेंस है ओवर फीमेल, ये सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए स्टेट एज अ एजेंट काम करती है। क्लियर हो गया जी? ठीक है, तो आपने फिर रियासत और सोसाइटी इन दोनों के दरमियान अंदर जो इश्यूज हैं उनको आपने किस लेंस से देखना, मार्क्सिस्ट लेंस से। और अगेन पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन में डोमिनेट करना चाहिए। क्यों डोमिनेट करना चाहिए? उसका फंडामेंटल वो है, उसके ऊपर एज होना चाहिए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर। उसकी वजह, क्योंकि उसने इस सारे के पीछे जो फलसफा है उसको भी पढ़ा हुआ है। तो जब आपके माइंड में वो क्लास सिस्टम मौजूद होगा, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म मौजूद होगा, जब आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ क्लासेस और प्राइवेट प्रॉपर्टी
का रिलेशन वो माइंड में होगा, तो फिर हम जी सोशियोलॉजी के अंदर भी एग्जैक्टली ये जितने भी लोग हैं ये एज अ सोशियोलॉजिस्ट हमें कहां पे पढ़ते हैं, हम सोशियोलॉजी में. डैट इज वाई मैं अब जो 2023 वाले बच्चे हैं, जो 22 में हैं वो तो है ही है ना, कि आप लोग रिमोट, कि आप लोग जो है अपने सब्जेक्ट्स को वो करके ना रखें, जज्बाती होके ना रखें, ठीक है, बल्कि थोड़ी स्टडी करें और स्टडी के बाद आप इंटरकनेक्शन बनाएं कि मेरे एरियाज कौन से होने चाहिए. और ये जो आप यकदम सब्जेक्ट रख लेते हैं ना, कि मैंने 6 के सब्जेक्ट अभी के अभी रखने हैं, तो मैं हमेशा बच्चे से पूछता हूँ आज के दिन थोड़ी पढ़ लेने हैं, अभी 2 रख लो, थोड़ा महीना 2 महीने अपना जेन बनाओ, उसके बाद देखना कि तुम्हारी नेचुरल फिटिंग में कौन सा सब्जेक्ट आता है. ठीक है, चीजें आपस में फिर क्या होती, इंटरलिंक्ड होती. नेक्स्ट चीज, जी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, जी फिलोसफिकल बेसिस के जो रियलिटी है वो इज नॉट यूनिवर्सल एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा था कि रियलिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है और परमानेंट होती है, यूनिवर्सल होती है. लेकिन इस स्कूल ऑफ थॉट ने क्या कहा है कि रियलिटी स्टेबल नहीं होती, परमानेंट नहीं होती और कोई एक भी नहीं होती, वननेस भी नहीं होती. रादर रियलिटी क्या है, सब्जेक्टिव है, अनस्टेबल है, चेंज होती रहती है, चेंजिंग है. पर्सपेक्टिव चेंज करो तो रियलिटी चेंज हो जाती है. चीजों के कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, बल्कि ये समझते हैं कि जो लैंग्वेज है उसके थ्रू, लैंग्वेज में क्या क्या आता है, वर्ड्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं, जेस्चर्स भी हैं, ये इनकी बुनियाद पर क्या क्रिएट किया जाता है, एक पूरे का पूरा सोशल ऑर्डर क्रिएट किया जाता है. लफ्जों को मतलब दिए जाते हैं और उन मतलब के मुताबिक हम क्या करते हैं, फिर एक्ट करते हैं. ऐसा ही है ना, हमारे सामने को वर्ड बोला जाए, ग्लास, कप, शीशा, औरत, मर्द, नकाम, कामयाब, बेहतर, बेहतरीन, बद, अच्छा, नेक, परहेजगार, ये सारा क्या है, हमारे इर्द गिर्द जितनी सोशल रियलिटी है वो सोशली क्या है, कंस्ट्रक्टेड. और वो कंस्ट्रक्शन प्राइमरीली किसके थ्रू है, लैंग्वेज. ये सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ये समझते हैं कि इसके पीछे है पावर, कि जो लैंग्वेज है वो एक ऐसे सोशल ऑर्डर को चलाती है, बनाती है. यानी कि लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ पावर, इट इज अ सोर्स ऑफ पावर. इसकी बुनियाद पर क्या क्रिएट होता है जी, पूरे का पूरा सिंबॉलिक ऑर्डर क्रिएट होता है. और ये जो लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, ये क्या किए जाते हैं ओवर द टाइम पीरियड, इनकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, चीजें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं. ठीक है, हम एमफिल में थे तो टीचर हमें समझा रहे थे पोस्ट मॉडर्निज्म, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी. वो कहते हैं यार मेंढक है ना, वो आपके सामने फ्राई फ्रुई करके रख दिए, तो आपने कहा नहीं जी मैंने नहीं खाना, क्योंकि मेरे लिए क्या है, ये हराम है. एक चाइनीज आया है और उसने क्या कहा है कि क्या बात है, अभी मजा आ गया मैंने, क्या बात है, इंजॉय किया बड़ा. तो मसला मेंढक में नहीं है, मसला क्या है, उसको देखने वाले में. बेचारा जो मेंढक है उसको तो नहीं पता मैं हलाल हूं या हराम हूं, वो तो मेंढक है. लेकिन एक चीज क्या है कि आप किसी चीज को कैसे करते हो, थ्रू लैंग्वेज ऑर्डर, सिंबल्स, वर्ड्स, उसके कुछ ना कुछ क्या क्रिएट करते हैं, मीनिंग क्रिएट करते हैं, पावर रिलेशंस क्रिएट करते हैं.
जैसे पेट्रियार्क है, मैट्रियार्क है, मदरहुड है, वुमेनहुड है, फादरहुड है, पेरेंटहुड है जी। ब्यूटी लाइज इन द बीहोल्डर, बिल्कुल सही है कि जो देखने वाला है वो क्या करता है, वो अपने पर्सपेक्टिव से अपनी रियलिटी क्रिएट करता है। तो ये कहते हैं कि सिंस ये वर्ड भी क्या हुए हैं, कंस्ट्रक्ट हुए, तो अब चूंकि हर बंदा इनकी क्या कर सकता है, खुद तशरीह कर सकता है, इसीलिए बाकी चक्रों में पढ़ने की बजाय सिंपल काम है क्या कर लो, डी कंस्ट्रक्शन करते जाओ। जो जो कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ है उसकी क्या करो, डिस्ट्रक्शन करो, डी कंस्ट्रक्शन, यानी कि लफ्जों को नए लफ्ज बना के दोबारा मतलब दे दो। आजकल आपको याद होगा क्रिकेट के अंदर बैट्समैन का वर्ड खत्म हो गया, बैटर का वर्ड आ गया। क्यों? बैटर मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ठीक है अक्सर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अक्सर किताबों में आपको क्या वर्ड मिलेगा, ही। अब ये वर्ड आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। यहां ही से मुराद ऑटोमेटिकली क्या लिया जाता था, मैन लिया जाता था, द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड। अब क्या वर्ड यूज हो रहा है, ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, मैन इज बॉर्न फ्री जी। चेयरमैन की जगह पर चेयरपर्सन, ये एग्जाम्पल्स हैं, लिखते जाए। मुझे ना एक बड़ी फनी चीज याद आ रही है कि पेपर में ना उसने स्टेटमेंट दी हुई है पास्ट पेपर में कि लैंग्वेज जो है ना वो जेंडर्ड है। लैंग्वेज क्या है, जेंडर्ड है। हमारे बच्चे हैं ना तो वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं तो पता होता है ना अपने बच्चों का, हमारे बच्चे क्या करते हैं, हर आदत पड़ी होती है ना, आगे पीछे देखते नहीं है। इस तरह का सवाल आ जाए जाते क्या हेडिंग बनाते हैं, व्हाई लैंग्वेज इज जेंडर, हाउ लैंग्वेज इज जेंडर, वेयर लैंग्वेज इज जेंडर, आदत हो गई है ना, कॉज इफेक्ट हर चीज की क्या देखनी है। भाई उसने ये स्टेटमेंट दे के ना आप लोगों का मजाक उड़ाया था शुगल, ठीक है, क्यों बोला, ये सारी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कौन सी थ्योरी माइंड में आती है, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो मेरी जान ये सवाल किस पे आया था, पोस्ट मॉडर्निज्म पे आया था। सीधी जाके इसकी हेडिंग नहीं बना देनी, व्हाई लैंग्वेज इज जेंडर, वेयर लैंग्वेज इज जेंडर, व्हाट इज, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द जेंडर्ड लैंग्वेज। ये आर्ग्यूमेंट किसका है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी का ये आर्ग्यूमेंट है। और सिर्फ उसने वर्ड नहीं यूज किया पोस्ट मॉडर्निज्म, उसने उसकी जगह पर क्या, मुझे एग्जैक्ट ना वो याद नहीं आ रही, यही वर्ड यूज किया, लैंग्वेजेस 2020 में दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन ये आया। ये जरा चेक करें जरा, किसी बच्चे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट पता है ये, चौधरी तुसी पीछे पूरी वर्ल्ड वॉर टू करा देती है, ठीक है बस खत्म होने लगा है मैं जी। लैंग्वेज इज जेंडर्ड, बस एक सेकंड, लैंग्वेज इज जेंडर्ड, व्हाट डज दिस मीन, काइंडली इम्प्लाय, जो भी इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जिन्होंने चूंकि ये किताब में पढ़ा नहीं होता तो वो फंस जाते हैं, एक और तरह के बच्चे हैं। मेरे स्टूडेंट जो मेरे पुराने उनको पता है मैं हमेशा बात करता हूं ऑब्जर्वेशन को कभी गिव अप ना करो। बिलीव मी, मेरा दोस्त है वो अभी शायद ऑनलाइन बैठा हो, 2019 के अंदर या 20 के अंदर 85 नंबर आए हैं उसके, गालियां तक लिख के आया इस सवाल में। जब बात समझानी है तो फिर एग्जाम्पल्स दिए जाए ना कि लैंग्वेज में कैसे औरत, वुमेनहुड जो है उसको परसोनिफाई और प्रोसिक्यूट किया जाता है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? मसलन गालियां हैं, ठीक है, हमारे यहां एक कॉमन कॉमन, आप जो शहर के लोग हैं आप जरा थोड़े मुअज्जब होते हैं, हम जो जरा गांव वाले हैं, हमारे दादे नाने वो ना ऐसे कैजुअली मतलब चलते फिरते पंजाबी, वैसे भी मतलब 5-10 गालियां दिन में ना देना तो हमें तो गैस हो जाती है, ठीक है, हमारा तो गुजारा ही नहीं चलता, ठीक है।
ठीक है, और फिर कुछ इतनी जुबान ज़दे आम चीजें हो जाएगी गालियों के अंदर, ठीक है, फिर रोल्स के अंदर जैसे वो बात होती है शेर बन शेर बन, मर्द बनो मर्द बनो जी जी, लड़कियों की तरह रो रहा है, ठीक है, और इसके अलावा और भी दीगर बहुत सारी ज़र्बुल मिसलें हैं जो आपको पता है पंजाबी में उर्दू में इवन अंग्रेजी में, ठीक है, वो जी जो उसके अंदर क्या होती है यूज होती है। इसमें अब की क्या है, की ये है कि लाइफ के हर एंगल से लाइफ के हर पहलू से आपने मिसाल दे दी है जहां पर आपको क्या मिले लैंग्वेज जेंडर्ड मिले, ठीक है। मसलन हमारे यहाँ बहुत बड़ा कोई मसला हो जाए जी बी अ मैन, बहुत बड़ा मसला हो जाए, तुम्हारा बहस किससे हुई है यार वो फलानी खतून, वो बीबियों के साथ तुम्हारा ये मसला, तेनू नहीं पता वो तो है ही बीबी, वो तो बीबी है तुम तो समझदार थे, ये बड़ा कॉमन यूज हो जाता है, वो तो औरत थी तुम तो क्या हो समझदार, ठीक है। और इसके अलावा जी और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पोस्ट जो मॉडर्निज्म है उसके हवाले से बताती हैं कि जो लैंग्वेज का पूरे का पूरा पावर स्ट्रक्चर है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, और बहुत सारे सिंबल्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेज वो है टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके अंदर हम जी जी ड्राइविंग के हवाले से भी है और भी जी मैन डोंट क्राई, ठीक है। और ये मैं कहता हूँ आप जितनी मर्जी, मैं तो आपको खुली छुट्टी दे रहा हूँ कि कोई शेर मिलता है, कोई कोटेशन मिलती है, कोई और प्रोवर्ब मिलती है, कुछ भी मिलता है, उसको आप यहाँ पर क्या कर लें एड ऑन कर दें। ले जी आखिरी बात है, अब उसके बाद वैसे मैंने अभी करवाना तो काम और भी है, लेकिन आज के लिए अस्सलाम वालेकुम, पहले ही ना बड़ी चस जो है वो गुजर चुकी है, ठीक है जी। चूड़ियाँ पहन रखी हैं बिल्कुल सही है, गालियों के अंदर भी तो जेंडर्ड है ना, मैंने कहा नहीं है कभी, हमने कहा है तेरे अब्बे की ऐसी की तैसी, इंग्लिश में भी तो ये कहते हैं ना डैश एफ, ठीक है। ये जितनी गालियां मर्दों ने औरतों को दे दी ना, इससे आधी भी वापस आ गई ना, ठीक है, अगली बात समझ गए हो ना, ठीक है। अच्छा जी अब असल चीज क्या है, अगर तो स्टेटमेंट आ गए कोई भी प्रैक्टिकल स्टेटमेंट पाकिस्तान के ऊपर, कोई कोई केस स्टडी कुछ सिनेरियो, और डायरेक्ट थ्योरी का नाम ना लिखा हो, आपने ये पांचों की पांचों थ्योरीज उस पर क्या करनी है अप्लाई करनी है, लेकिन यहां पर पूरी पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, क्योंकि पांचों थ्योरीज के थ्रू एनालिसिस करने उस सेम स्टेटमेंट का, तो फिर हर थ्योरी को इतना को लिखना है हाफ पेज वन पेज के, जिससे आपकी बात भी हो जाए और ये भी ना हो कि आप एक थ्योरी लिखते रह गए। 20 नंबर का सवाल है ना, मैं फिर कह रहा हूं मार कहां पे खाओगे आप, कि जब ये सवाल करते हो आप जिनमें प्रैक्टिकल सिनेरियो आता है कि जी पाकिस्तान में ये हो गया फलाना ये हो गया फलाना ये हो गया जी, ये आपका सेकंड हेडिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डन हो गया जी। पांचों थ्योरीज, पहले आप क्या करें थ्योरीज का पहले नाम लिखें, फिर उसकी मेजर जो है अजम्पशंस लिखें, फिर वो जो स्टेटमेंट पूछी गई है उस स्टेटमेंट के साथ इस थ्योरी की जो मेजर अजम्पशन है उनका क्या ताल्लुक है वो लिखें, और एंड पे सोल्यूशन लिख दें उस थ्योरी के मुताबिक। मसलन सवाल कल को आने पाकिस्तान में खवातीन को एजुकेशन के बड़े मसले हैं, तो आपने कौन सी थ्योरी अप्लाई की, सबसे पहले लेट्स लिबरल की, तो आपने उसके मुताबिक सोल्यूशन क्या देना है कि जनाब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दें खवातीन को, मसलन स्कूल बनाओ कॉलेज बनाओ यूनिवर्सिटीज बनाओ, ठीक है, उनके लिए फंड्स बराबर रखो, ठीक है, उनको स्कूल जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन दो, ये जितनी बातें आपने करनी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से करनी लिबरल, तो वन पेज में हो जाएगा। आगे आ जाओ मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, औरतों को तालीम क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि मर्द ने कब्जा किया हुआ है किसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर, फंड देना है तो किसने देना है मर्द ने, कवानीन बनाने हैं तो किसने बनाने हैं मर्द ने, और जो एजुकेशन दे भी अगर रहा है मर्द तो उनको अच्छी माएं बनाने के लिए, वो बात कर लो ना उसकी वो क्या है वोल्सन क्राफ्ट वाली कि रोसो वाली, अगर एजुकेशन दे भी रहे तो किस लिए दे रहे, ताकि मेरे बच्चों को ये क्या कर सके अच्छा पाल सके, इसलिए नहीं दे रहा कि इसकी अपनी रेशनैलिटी क्या हो सके डेवलप हो सके। उसके बाद आ जाओ साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, ठीक है, तो क्या हो रहा है
एजुकेशन का या सारा सिलसिला क्या है कि वो साइकिक डेवलपमेंट औरत की जो है उसको जो हिस्टोरिकल पैटर्न चलता आ रहा है उसी को री इन्फोर्स करने के लिए क्या किया जा रहा है। एजुकेशन का मॉडल भी उसी तनाजुर में, आप खुद सोचिए सीएसएस की क्लास में अगर उस्ताद ने साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ानी हो, वो बेचारा आधे वर्ड क्या कर देता है, सेंसर कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसके सामने 25 साल के जो लौंडे लौंडे बैठे होते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं। तो सोचो जब इंटर होता होगा, जब अभी हम, अभी तो हम आकल और बालग हो गए हैं ना, जब हम बिल्कुल नए नए अभी होते हैं, तो इंटर में जो उस्ताद बेचारा बायो वगैरह पढ़ाता होगा, खुद सोचो कि वो बीबियों को कैसे पढ़ाता होगा और बीबियां कैसे पढ़ती होंगी। तो शर्मो हया के चक्कर में, ठीक है, जो बेसिक बायोलॉजी है, बेसिक एनाटॉमी है, वो भी रह जाती है। गांव वगैरह में देखे ना, ये इंडिया में मूवी भी बनी थी पैडमैन, वो किस चीज के ऊपर बनी है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस वुमेन ऐसी हैं जो अपनी बेसिक बायोलॉजी उसको कैरी नहीं कर सकती, उनके पास इतना कुछ नहीं है कि वो अपने आप को अपनी बेसिक बायोलॉजिकल मेंटेनेंस के लिए वो अकल का इस्तेमाल कर ले, रिसोर्सेज नहीं है, शौर नहीं है। गांव में आज भी देख ले, ठीक है ना, औरतों की जो अपनी सेल्फ के बारे में सिर्फ क्या है उसके ऊपर वो शर्मो या की क्या लगी हुई है, लेयर्स लगी हुई है। वो लेयर्स जो है वो साइकी ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द जनरेशंस क्या है वो चल रही है। जी नेक्स्ट आज पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के तहत क्या है कि जो एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी, तो वो क्या है, वो उसके इर्द गिर्द कुछ मीनिंग्स एंड सिंबल्स क्रिएट कर दिए गए, ठीक है। एजुकेशन एज अ मीन ऑफ मैरिज, एजुकेशन एज अ मीन ऑफ सोशल सेटलमेंट, क्लियर होगी बात जी। तो ये जी रेडिकली वो समझते हैं कि जो पेट्रियार्की है, ठीक है, सोशल प्रेस्टीज एंड पावर किसके पास है, मेल के पास है, तो मेल ने जनाब हर चीज को अपने अराउंड क्या किया हुआ है, टर्न किया हुआ है, क्लियर हो गया। अब जनाब एक तो आपका एक सवाल, दो सवाल डायरेक्ट थ्योरी से आते हैं नंबर वन, और तीसरा जो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट आएगी, डाटा फैक्ट्स इश्यूज जितने मर्जी लिखो, जहां से मर्जी लिखो, मुझे परवाह नहीं है, परवाह यह है कि उसके अंदर जेंडर स्टडीज होनी चाहिए, वो जेंडर के ऊपर ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो अभी स्टूडेंट आए ना नए, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है आपके लिए कि वो अभी स्टूडेंट नए हैं, उन्होंने कह रहे मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उनको लगता है कि जेंडर स्टडीज ऐसा मौजू है जिसमें बीबियों के इश्यूज और उनका सलूशन या कुछ इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जब हमने अभी पढ़ा है तो हमें क्लियर हो गया कि जो प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर भी हमने क्या करना है, जो थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करना है, और घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ले जी, अभी अगर आपको दोबारा फील हो जाए कि हमें कुछ और डिस्कशन भी करनी है, वो जो भी करना है, ठीक है, तो मेरा जो है वो आप मेरे से रब्ता कर ले, जो 23 वाले बच्चे हैं या अभी के स्टूडेंट्स हैं, कोई ग्रुप एक हमने बनाए हुए वैसे भी, उसके अंदर मैं MCQs और कुछ रिसर्च आर्टिकल्स वो मैं शेयर कर दूंगा। जिन बच्चों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ वो इस पे व्हाट्सएप कर दें, जेंडर स्टडीज का ग्रुप जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर ले जी, MCQs आपको दे देंगे इंशाल्लाह। और अपना जी अपना फीडबैक भी दे दे कि आपको कुछ ना कुछ, अब मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि कितना ज्यादा काम हुआ है, ठीक है, लेकिन जो किया है काम हमने, ठीक है, मेरी नजर में ये ज्यादा अहम है, ठीक है, बजाय कि आप पॉलिटिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक उस पर ढेर माल आपने जमा किया हुआ है, ठीक है। तो अपना फीडबैक जो है वो भी शेयर कर दीजिए जी। जी फातिमा रीडिंग्स मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा जी। वानिया ठीक है, गुड। और रिकॉर्डिंग जी इसकी अवेलेबल हो जाएगी कल तक, आप ये इस पे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएं, जो बच्चे सही नोट नहीं कर सके या कोई मसला है, इसकी रिकॉर्डिंग कल तक आपको मिल जाएगी। भाई मैं भी नहीं दे सकता, अगर मौलवी नहीं दे सके ना तो मैं भी नहीं दे सकता, सिंपल सा ही जवाब है, जो दो मौलवी जवाब नहीं, मेरी तो औकात ही नहीं है, मैं पहले मान गया हूं भाई, मुझे पता ही नहीं है।
वरदा थैंक यू जी, इकरा थैंक यू। यार असल में एक सेकंड भाई, ठीक है आप भाई, मैंने नहीं सुनना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं हजरत आदम के किसे तो नहीं यहाँ सेट करने आया ना, मेरी बात सुन ले, मैं पहले अपना काम कर लूँ फिर आपको जल्द जी। थैंक यू जी, थैंक यू। असल में हमारे पास जो टीचर है जेंडर स्टडीज की, वो पीएचडी इन जेंडर स्टडीज है, उनका मसला है ये कि वो जेंडर स्टडीज की पीएचडी, क्योंकि बच्चा उनसे 5000 किलोमीटर दूर है, तो मुझसे जेंडर स्टडीज आती उनको अच्छी है, लेकिन जो वर्कशॉप या पढ़ाना है ये एक बड़ा औखा काम है, ठीक है। वो एक टॉपिक आपको आता हो और वो कराना वो और बात है, ठीक है। तो इसलिए जो रीडिंग वगैरह होगी वो मैंने उनसे रीडिंग ली है, ताकि जो रीडिंग है वो एकेडमिक होनी चाहिए, और जो पढ़ाया है वो भी कोशिश की है कि जो जेंडर स्टडीज है इटसेल्फ का जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है वो आपको जरूर आता हो। जी जिन बच्चों को कोई जरूरत है किसी मटेरियल की, किसी और चीज की, वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर पे अपना नाम करके साथ सब्जेक्ट लिख दें जेंडर स्टडीज, तो आपको एमसीक्यूज वगैरह या रिसर्च आर्टिकल जो भी होगा वो मिल जाएगा उसके ऊपर। जी ये अपलोड हो जाएगा कल तक, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, कल तक रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी।